महोदय, ये प्रदेश का घोटाला है, युवाओं के साथ अन्याय है। माननीय अध्यक्ष, सदन के सदस्यों को गलत जानकारी दी जा रही है। गलत जानकारी आपको सचिन यादव ने आपको दिया। माननीय अध्यक्ष महोदय, से जुलाई 2024 तक की अवधि के आवश्यक व्ययों एवं पूर्व से चल रही योजनाओं व परियोजनाओं को निर्बाध रखे जाने के लिए रहा है। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से मेरे माध्यम से आज हमारी सरकार का वित्तीय वर्ष 2024-25 का बजट प्रस्ताव माननीय सदस्य के सारगर्भित विमर्श व पारित किए जाने के लिए प्रस्तुत है। इंदर सिंह जी, इंदर सिंह जी, आप किसी का रिकॉर्ड में नहीं जा रहा है। जबरदस्ती ऊर्जा व्यय मत करो, किसी का रिकॉर्ड में नहीं जा रहा है। देवड़ा जी, आप कंटिन्यू करो, आप कंटिन्यू करो। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदन व सदन में विराजित महानुभावों का श्रद्धापूर्वक नमन। विगत फरवरी माह में इस सदन ने मेरे माध्यम से हमारी सरकार के प्रस्तुत लेखानुदान को पारित किया था। यह लेखानुदान माह अप्रैल 2024 से जुलाई 2024 तक की अवधि के आवश्यक व्ययों व पूर्व से चल रही योजनाओं कल मांग करी और परियोजनाओं को निर्बाध रखे जाने के लिए रहा है। नहीं तो हम इस्तीफे की बात करते हैं। सर्वदलीय विधायक कमेटी बनाई, जांच करा, हमारी सरकार आपको दोबारा बनाना मंत्री बना दे, लेकिन हम इस्तीफे की बात करना चाहते हैं। अगर ये सही है आप बना दे, अगर घोटाले में है शुभ पारित किए जाने के लिए प्रस्तुत है। आपसे ये अनुरोध है आदरणीय महोदय, प्रदेश के बजट तैयार करने की प्रक्रिया में यह भावना लगातार प्रबल रही है। सबल बुझाओ में लक्षित है, नौका भी पतवार, चीर चले सागर की छाती, पार करे मजदार। मैं विश्वास दिलाता हूँ सदन द्वारा पारित की गई राशि का पूर्ण उपयोग प्रदेश में विकास तथा जनता के जीवन में सहजता लाने के लिए होगा। सरकार में हम सभी न्यासी के रूप में है और हमें अपने अपने उत्तरदायित्व का निर्वाह निस्वार्थ भाव से करना होता है। जन कल्याण के उपाय भी सभी सार्थक होंगे। युवाओं को न्याय दो और मुख्यधारा से पिछड़ गई युवाओं को न्याय दो और अपेक्षाओं को पूरा कर सकेंगे। न्याय दो माननीय अध्यक्ष महोदय, सरकार का यह बजट प्रदेश को सामान्य रूप से प्रदेश बनाने के हमारे इस्तीफा दो सफल व परिणाम जनक सारे इस्तीफा दो सदन के युवाओं को न्याय दो, युवाओं को न्याय दो। जनता को यह विश्वास दिलाता हूँ विश्वास सारे इस्तीफा दो। शिक्षा व छात्र अधोसंरचनाओं का विस्तार, रोजगार, स्वरोजगार, औद्योगिक विकास आदि के साथ साथ पर्यावरण उपयुक्त जीवन शैली तथा प्रदेश की प्राचीन संस्कृति, सभ्यता, सरोकार और गौरवशाली इतिहास को आगे बढ़ाने जैसे कार्यक्रमों के लिए आर्थिक यह बजट आर्थिक समेट कर बनाया गया बजट है। सदन को अवगत कराते हुए मुझे प्रसन्नता है कि हमारे दल के संकल्प पत्र को राज्य सरकार ने ग्राह्य किया है। यह संकल्प पत्र हमारी सरकार के पूर्ण कार्यकाल में निरंतर बेहतर परिणाम देने के लिए प्रेरित करता रहेगा। हमारी सरकार ने वर्ष 2022-23 के प्रदेश के बजट को तैयार करने में नवाचार करते हुए आम जनता, प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों एवं विशेषज्ञों से सुझाव प्राप्त किए थे। हमने इस परंपरा को वित्तीय वर्ष 2024-25 के बजट को तैयार करने में भी कायम रखा है। आम जनता से प्राप्त 3000 से अधिक सुझावों में से महत्वपूर्ण सुझावों को बजट तैयार करते समय गंभीरतापूर्वक विचार में लिया गया है। माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी को लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने पर प्रदेश की जनता की ओर से बधाई देता हूं। मैं प्रदेश की जनप्रिय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी का भी आभार व्यक्त करता हूं, जिनके ऊर्जावान नेतृत्व व रणनीति के परिणाम स्वरूप प्रदेश की संपूर्ण संसदीय सीटों पर हमारे दल के प्रतिनिधि निर्वाचित हुए। मैं देश और प्रदेश की जनता का भी
उनके सूझबूझ के निर्णय के लिए अभिनंदन करता हूँ, जिनके कारण हमारे दल को देश और प्रदेश में नेतृत्व करने का अवसर मिला। तत्काल इन पे कार्रवाई होना चाहिए पूरे सदन के, हमारे विधायक दल की तरफ वैश्विक स्तर पर राजनीतिक भारतीय आशंका के बावजूद भी माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी अंतर्राष्ट्रीय दिनांक 14 जून 2024 प्रकाशित आंकड़ों के अनुसार अनुरोध है कि भारत की अर्थव्यवस्था का स्थान विश्व की सबसे बड़ी अगर आज अर्थव्यवस्था में है। माननीय प्रधानमंत्री जी का वर्ष 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य है। हमारे कर्मठ व जुझारू मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के कुशल नेतृत्व में हमारी सरकार का प्रयास है लोग जाए आर्थिक बजट के आकार लोग कृपया जाएगा। नेता प्रतिपक्ष से मेरा आग्रह है कि मर्यादा का पालन करें। ये बजट सत्र है, प्रस्तुत बजट को सुने उसके बाद उस पर प्रतिक्रिया दें। बजट की तुलना 16% से अधिक वृद्धि की है। सभी सदस्यों को अनुरोध करना चाहूंगा अपने आसन को ग्रहण करें। वित्तीय प्रबंधन एवं आर्थिक गतिविधियों के विस्तार से प्रदेश में प्रति व्यक्ति आय में निरंतर वृद्धि हो रही है। प्रचलित भावों पर वर्ष 2023-24 अग्रिम अनुमान अनुसार प्रति व्यक्ति आय 1,42,563 रूपए है। उल्लेखनीय है कि वर्ष 2003-04 में प्रति व्यक्ति आय मात्र 13,465 रूपए थी, जो बढ़कर अब लगभग 11 गुना हो गए। नीति आयोग भारत सरकार द्वारा जनवरी 24 में जारी रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2013-14 से वर्ष 2022 के अवधि में मध्य प्रदेश के 2,30,00,000 लोग बहुआयामी गरीबी से बाहर आए हैं। अधोसंरचना विस्तार तथा संधारण भौतिक अधोसंरचना का निर्माण एवं संधारण आत्मनिर्भरता की आधारशिला है। हमारी सरकार माननीय प्रधानमंत्री जी एवं माननीय वित्त मंत्री भारत सरकार की आभारी है, जिनकी प्रगतिशील नीतियों के कारण पूरे देश में अधोसंरचना विकास के लिए बड़े स्तर पर निवेश हो रहा है। प्रदेश में किए जा रहे पूंजीगत निवेश से प्रदेश में सड़कों और पुलों का जाल बिछाने न केवल यातायात सुगम हुआ बल्कि सिंचाई पर्यटन रोजगार औद्योगिक आदि के माध्यम से अर्थव्यवस्था को भी नई ऊर्जा नई गति नई ताकत नई दिशा मिली है। पूंजीगत कार्यों के लिए भारत सरकार द्वारा निर्धारित मापदंडों की पूर्ति करने में प्रदेश सफल रहा। विशेष केंद्रीय सहायता योजना अंतर्गत प्रदेश को वर्ष 2023-24 में भारत सरकार से ₹8,808 करोड़ की राशि प्राप्त हुई थी, परंतु हमारे कर्मनिष्ठ माननीय मुख्यमंत्री जी के विशेष प्रयासों से परिणाम स्वरूप ₹3,829 करोड़ अतिरिक्त रूप से प्राप्त हुए हैं। इसी क्रम में इस योजना में वर्ष 2024-25 में भारत सरकार से ₹15,000 करोड़ प्राप्त करने के प्रयास किए जाएंगे। वित्तीय वर्ष 2023-24 में पूंजीगत व्यय ₹60,689 करोड़ हुआ, जो कि वित्तीय वर्ष 22-23 की तुलना में लगभग 29% अधिक है। महोदय, मुझे सदन को यह अवगत कराते हुए गौरव की अनुभूति हो रही है कि राज्य शासन एक वित्तीय वर्ष में अब तक सर्वाधिक पूंजीगत व्यय, जो कि अपने आप में कीर्तिमान है। सड़क एवं पुल, वित्तीय वर्ष 2023-24 में 6,646 किलोमीटर सड़क निर्माण तथा 4,708 किलोमीटर सड़क नवीनीकरण एवं 123 पुलों का निर्माण पूर्ण किया गया। इसके अतिरिक्त प्रदेश के चिन्हित रेलवे क्रॉसिंग को समाप्त करने की दिशा में 116 रेलवे और ब्रिज के निर्माण की कार्रवाई प्रगतिरत है। प्रदेश में निर्माणाधीन रेल परियोजनाओं को और अधिक गति देने के उद्देश्य से भारत सरकार एवं राज्य सरकार के अनुरोध विभागों के माध्यम से लोक निर्माण बनाया गया है। आगामी 5 वर्षों में एक्सप्रेस वे के माध्यम से 200 किलोमीटर का अटल प्रगति पर, 200 किलोमीटर का नर्मदा प्रगति पर, 600 किलोमीटर के दिल्ली एक्सप्रेस वे, 450 किलोमीटर का निर्माण मंत्री मंत्रिमंडल 30 किलोमीटर का बुंदेलखंड मार्ग पर, 746 किलोमीटर का मध्य भारत विकास पथ के कार्य प्रस्तावित है। इन मार्गों के दोनों मुख्यमंत्री जी कचरा साफ कर दो, इससे रोजगार व स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे। भोपाल इंदौर जबलपुर एवं ग्वालियर में सुगम यातायात के लिए एलिवेटेड युवाओं को नहीं चाहते प्रदेश के।
में अवैध वसूली की गई उसके बारे में सोचे आप प्रमुख के प्रदेश के आपको न्याय करना चाहिए माननीय युवाओं के साथ प्रदेश के ये अन्याय होगा। इंस्पेक्टर आरएस बिजली की बात नहीं है, निष्पक्ष रूप से युवाओं की बात करना चाह रहा हूँ। 19,377 किलोमीटर लंबाई की 8,410 सड़कों से बारामासी मार्ग से जोड़ा जा चुका है। सड़क एवं पुल के निर्माण एवं संधारण के लिए 2024-25 में लगभग रूपये 10,000 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जल जीवन मिशन प्रारंभ कर जल क्रांति को जन्म दिया है। हमारी सरकार का संकल्प है कि प्रदेश के हर घर में नल से जल उपलब्ध कराया जाए। योजना प्रारंभ के वर्ष 2019 की स्थिति में 13,53,151 घरेलू नल कनेक्शन की संख्या बढ़ाकर अब 70,86,252 हो गई। लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी के लिए वर्ष 2025 सदन को पुनः कराते हुए खुशी है कि प्रदेश में मुख्यमंत्री चुप क्यों बैठे बनाई रखी। प्रदेश के युवाओं को नहीं जानते, प्रदेश के युवाओं की भावना नहीं जानते। विद्युत का प्रदाय किया जा रहा है। दिनांक 26 जनवरी 2024 को प्रदेश के इतिहास में सर्वाधिक 17,614 मेगावाट शिफ्ट की मांग पूर्ति की गई। वर्ष 2024-25 में अमरकंटक एवं सतपुरा का विद्युत ग्रह में 660 मेगावाट की नई विस्तार इकाइयों का निर्माण कार्य, 603 सर्किट किलोमीटर पूर्व पारेषण लाइनों एवं 2,908 एमवीए क्षमता के अति उच्च दाव उपकेंद्र के कार्य प्रस्तावित है। गुणवत्तापूर्ण और विश्वसनीय विद्युत आपूर्ति के उद्देश्य की प्राप्ति के लिए विभिन्न डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम RDSS का क्रियान्वयन किया जा रहा है। प्रदेश ने नवकरणीय ऊर्जा स्थापना क्षमता की दृष्टि से अभूतपूर्व वृद्धि प्राप्त की है। मैंने अपने बजट भाषण में प्रदेश के नीमच जिले में 500 मेगावाट, आगरा जिले में 550 मेगावाट, शाजापुर जिले में 450 मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजना का विकास अवगत कराते हुए खुशी है कि आगरा जिले की 550 मेगावाट क्षमता की सौर परियोजना से उत्पादन शुरू हो गया है। ओकारेश्वर में प्रदेश के युवाओं की बात नहीं करना चाह रहे, उनकी भावना देखें, उनके बारे में सोचें। मेरा आपसे अनुरोध है, माननीय मुख्यमंत्री से, कि उन युवाओं की बात जो करते हुए न्याय करें। ये मेरा आपसे अनुरोध है, माननीय मुख्यमंत्री जिसके एक अंश के ऊर्जा भंडारण सही थाई परियोजना के रूप में विकसित किया जाएगा। ऊर्जा क्षेत्र के लिए वर्ष 2024-25 में ₹40,406 करोड़ का प्रावधान है। वो ये छवि आगरा क्योंकि वर्ष 2024 में ₹1,046 करोड़ अधिक है। ऐसे भ्रष्टाचारी मंत्रियों को साथ रखेंगे, वर्ष 2024 आप तक आएंगे। मैं आपसे कहना चाहता हूँ माननीय मुख्यमंत्री से कि टूटी फूटी जांच होना चाहिए। विश्वास सारंग का इस्तीफा होना चाहिए। उत्पादन को बढ़ाने के लिए सिंचाई की सुविधा की भावना है, प्रदेश के युवाओं की भावना है। इष्टतम उपयोग की व्यवस्था सुनिश्चित करने की दिशा में हमारी सरकार ने उल्लेखनीय कार्य किए हैं। प्रदेश में सिंचाई के क्षेत्र में समृद्ध एवं सतत विकास एवं कृषि को लाभ का व्यवसाय बनाने के उद्देश्य से सिंचाई अंतर्गत क्षेत्रफल को वर्ष 2025-26 तक 63 लाख हेक्टेयर एवं वर्ष 2028-29 तक 1 करोड़ हेक्टेयर किए जाने का लक्ष्य है। वर्तमान में लगभग 50 लाख हेक्टेयर की सिंचाई सदन में गलत जानकारी दी जाएगी। क्षमता निर्मित हो गई है, क्षेत्र लक्ष्य की पूर्ति विभिन्न सिंचाई परियोजना निर्माण सदन में गलत जानकारी दी जा रही। सदन गुमराह किया विश्वास सारंग ने के उद्देश्य की पूर्ति के लिए 133 वृहद माध्यम पेश लाई। सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली आधारित परियोजना निर्माणाधीन है। इन परियोजनाओं के पूर्ण होने पर लगभग 48 लाख हेक्टेयर सिंचाई की क्षमता निर्मित होगी। इसी प्रणाली का उपयोग करते हुए निर्मित सिंचाई परियोजनाओं के अतिशय जल से अतिरिक्त सिंचाई क्षेत्र विकसित करने की दिशा में अग्रसर है। मैं कहना चाहूंगा लिंक परियोजना जिसकी अनुमानित लागत 44,605 करोड़, बुंदेलखंड क्षेत्र के संचारी मंत्रियों को अपने इसमें क्यों रखना चाहते हैं। परियोजना के
पुनः होने पर प्रदेश के 10 जिलों में 1,200 ग्रामों के 11,000 सिंचाई योजना के साथ साथ 41 की आबादी पेयजल की सुविधा उपलब्ध होगी। इसके अतिरिक्त 130 मेगावाट विद्युत उत्पादन भी होगा। मध्य प्रदेश ने राजस्थान के साथ एमओयू कर पार्वती काली सिंध चंबल अंतर्राष्ट्रीय नदी लिंक परियोजना के निर्माण की संवैधानिक सहमति बनाई है। इस परियोजना के से प्रदेश में 10 जिलों में 4,00,000 हेक्टेयर नवीन सिंचाई क्षमता निर्मित होगी तथा पेयजल एवं उद्योग के लिए भी जल उपलब्ध होगा। नर्मदा जल विवाद न्यायाधिकरण के द्वारा मध्य प्रदेश को आवंटित 18 नर्मदा जल का उपयोग सुनिश्चित करने के लिए सिंचाई परियोजनाओं का क्रियान्वयन तेजी से किया जा रहा है। नर्मदा घाटी की समस्त सिंचाई परियोजनाओं के पूर्ण होने के पर लगभग 28,41,111 हेक्टेयर विवाद सारा कितनी बात हो सिंचाई परियोजनाओं के निर्माण वर्ष 2024-25 में रुपये 13,000 का प्रावधान प्रस्तावित है। मुख्यमंत्री ऐसे भ्रष्टाचारी मंत्रियों को अपने कृषि एवं संबंध क्षेत्र सिंचाई सुविधा बढ़ाने से कृषि उत्पादन में वृद्धि हुई है। खेतों में जल आती फसल किसानों की आशाओं का मूल होती है। हमारी सरकार किसानों की आय दोगुनी करने उत्पादकता की लागत कम करने योग्य भाव दिलाने कृषि आधारित जोखिमों को कम करने तथा नुकसान की भरपाई करने की दिशा में निरंतर कार्य कर रही है। किसान परिवार अपने परिश्रम से देश की जनता को खाद्यान्न उपलब्ध कराते हैं। उनके इस समर्पण के प्रति हमारी सरकार पूरी संवेदना और सम्मान रखती है। कल के नए सवेरे हैं हम, धरती की संतान है हम, श्रम से हम तकदीर बदलते हैं, मानवता के अभिमान है हम। माननीय अध्यक्ष महोदय, सदन को यह अवगत कराते हुए हर्ष है कि पूरे देश में हमारा प्रदेश दलहन उत्पादन में प्रथम खाद्यान्न और तिलहन उत्पादन में दूसरे स्थान पर है। आपके वित्तीय बजट देश के किसानों के सफल प्रयासों के परिणाम स्वरूप 2023 में प्रदेश का कुल उत्पादन 300,00,000 मेट्रिक टन रहा और रबी वर्ष 2023-24 में कुल उत्पादन 300,00,000 मेट्रिक टन अनुमानित है। भ्रष्टाचार बंद करो। श्री अन्न उत्पादन को प्रोत्साहन करने के उद्देश्य से मध्य प्रदेश राज्य मिलेट मिशन गठित किया है। राज्य सरकार के युवाओं को न्याय दो, कोदो कुटकी पर अतिरिक्त राशि अन्य अनुसंधान के लिए गुणवत्ता के परीक्षण एवं सुधार के लिए मिट्टी परीक्षण प्रयोगशालाओं को कृषक उत्पादक संगठनों में प्रशिक्षित उद्यमियों के माध्यम से संचालित करने का नवाचार किया जा रहा है। इससे एक ओर जहां कृषि उत्पादन में वृद्धि होगी, वहीं दूसरी ओर इन प्रयोगशालाओं से कृषि क्षेत्र में शिक्षित युवाओं को स्वरोजगार भी उपलब्ध होगा। इस योजना में विगत वर्ष में के बजट प्रावधान में 5 गुना वृद्धि करते हुए 2024-25 में 50 करोड़ का प्रावधान। 4,000 किलोमीटर पानी लेने जाना पड़ रही महिलाओं को। कृषि क्षेत्र में अनुसंधान को बढ़ावा देने के क्रम में जिला उज्जैन में चना तथा ग्वालियर में सरसों अनुसंधान संस्थान की स्थापना प्रस्तावित है। अनुसूचित जाति एवं जनजाति के 1 हेक्टेयर तक के भूमि धारकों को 5 हॉर्सपावर तक के विद्युत पंपों की निःशुल्क विद्युत आपूर्ति तथा अटल कृषि ज्योति योजना अंतर्गत 5 हॉर्सपावर तक के किसानों को ऊर्जा प्रभार में सब्सिडी दी जा रही है। इस हेतु वर्ष 2024-25 में ₹11,063 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत किसानों को सरकार द्वारा वर्ष में 6,000 की सहायता राशि उपलब्ध कराई जाती है। राज्य सरकार भी मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के माध्यम से ₹6,000 प्रति वर्ष की सहायता राशि उपलब्ध कराई जा रही है। इस प्रकार दोनों योजनाओं के से प्रति वर्ष प्रति किसान ₹12,000 की सम्मान निधि लगभग 82,00,000 किसानों को उपलब्ध कराई जा रही है। मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना में ₹4,900 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है। कृषकों को उनकी उपज का बेहतर मूल्य प्राप्त हो सके, इसके लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य के अतिरिक्त उपार्जन पर ₹125 प्रति क्विंटल बोनस दिया जा रहा है। इस योजना में राशि का प्रावधान प्रस्तावित है। प्राकृतिक आपदा से होने वाले नुकसान की भरपाई प्रधानमंत्री युवाओं को न्याय दो खरीद 2023 में युवाओं को न्याय दो की रबी
एवं रवि 2023 में 80,000 कृषि बीमित है। भ्रष्टाचार योजना के अंतर्गत ₹2,000 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है। कृषि क्षेत्र में निजी पूंजी निवेश को प्रोत्साहित कर विविध कृत फसलों की बाजार आधारित सुनिश्चित कराने तथा जलवायु आधारित अनुकूल फसलों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से आरंभ की गई है। फसल विविधीकरण योजना अंतर्गत वर्ष 24-25 के बजट में ₹20 करोड़ की राशि प्रस्तावित है। कई लोग विकलांग की भर्ती के लिए किसानों को 0% ब्याज पर अल्पकालीन फसल बीमा योजना कराए जाने के उद्देश्य से बजट में ₹600 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है। इस योजना से लगभग 32 लाख से अधिक कृषक लाभान्वित हो रहे हैं। जलवायु परिवर्तन की चिंताओं को कम करने के लिए पर्यावरण पुनर्स्थापना जैसे लाभों के अलावा किसानों की आय बढ़ाने का अवसर प्रदान करती है। यह पद्धति मिट्टी की जैव विविधता में सुधार करने में मदद करती है। प्राकृतिक खेती प्रोत्साहन एवं विस्तार के लिए वर्ष 2024-25 में ₹30 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है। युवा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना अंतर्गत 5,37,00,000 हितग्राहियों को निःशुल्क खाद्यान्न उपलब्ध कराया जा रहा है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना में अब तक लगभग 89 हितग्राहियों को निःशुल्क गैस कनेक्शन उपलब्ध कराया गया है। गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले ऐसे हितग्राही जो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लाभ से वंचित रह गए हैं, उन्हें राज्य सरकार की गैर उज्ज्वला योजना के अंतर्गत शामिल किया गया है। इन दोनों योजनाओं में वर्ष 2024-25 के लिए राशि ₹520 करोड़ का प्रावधान। सरकार से समृद्धि की परिकल्पना को साकार करने हेतु हमारी सरकार निरंतर प्रयासरत है। वर्ष 23-24 में किसानों को ₹19,946 करोड़ का फसल ऋण भी वितरण किया गया है, जो कि वर्ष 22-23 की तुलना में ₹1,490 करोड़ अधिक है। वर्ष 2024-25 में 23,000 करोड़ फसल ऋण वितरण का लक्ष्य है। पशुपालकों एवं गौ संवर्धकों के विकास एवं संरक्षण के लिए हमारी सरकार सदैव कृत संकल्पित रही है। पशुपालकों एवं गौ संवर्धन से संबंधित योजनाओं में पिछले वर्ष के बजट प्रावधान ₹335 करोड़ की तुलना में 224-25 में 76% वृद्धि करते हुए 590 करोड़। प्रदेश में नई 2023 से प्रारंभ 4 से 6 पशु चिकित्सा इकाइयों द्वारा अब तक 5,46,000 से अधिक पशु चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई गई है। चलित पशु कल्याण सेवा योजना में ₹82 करोड़ की राशि प्रस्तावित है। मध्य प्रदेश के दुग्ध उत्पादकों के आय में वृद्धि सुनिश्चित करने के उद्देश्य से माननीय मुख्यमंत्री जी की प्रेरणा से नवीन योजना मुख्यमंत्री सहकारी दुग्ध उत्पादक प्रोत्साहन योजना प्रारंभ की जा रही है। योजना अंतर्गत दुग्ध उत्पादकों को सहकारी समितियों के माध्यम से संगठित कर दूध उपार्जन दर के अतिरिक्त प्रति लीटर के मान से प्रोत्साहन राशि उपलब्ध कराई जाएगी। योजना अंतर्गत प्रारंभिक रूप से 150 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है। प्रदेश में कुल 2,190 गौशालाओं का संचालन किया जा रहा है। इन गौशालाओं में लगभग 3,00,000 गौ वंश का पालन हो रहा है। गौशालाओं में पशु आहार के लिए उपलब्ध कराई जाने वाली राशि प्रति गौ वंश प्रतिदिन ₹20 को दोगुना करके 40 किया जा रहा है। इस योजना में लगभग 3 गुना वृद्धि करते हुए 2024-25 के बजट में ₹200 करोड़ का प्रावधान ₹2024-25 में गोवंश रक्षा के रूप में भी मनाया जा रहा है। कृषकों की आय में वृद्धि करने के लिए उद्यानिकी सेक्टर अत्यंत महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्यम योजना के महत्वपूर्ण घटक जैसे सूक्ष्म सिंचाई, फसल विस्तार, संरक्षित खेती, बागवानी, मधुमक्खी पालन जैसी इकाइयों की स्थापना हेतु हमारी सरकार विशेष ध्यान दे रही है, जिससे सम्मानजनक जीविकोपार्जन के अवसर उत्पन्न हो रहे हैं। किसानों की आय में वृद्धि करने के में खाद्य प्रसंस्करण का भी महत्वपूर्ण योगदान है। प्रदेश की उद्योग संवर्धन नीति अंतर्गत खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों को विशेष पैकेज दिया जा रहा है। सामान्यतः उद्योगों को दी जाने वाली पूंजीगत सहायता की तुलना में इन इकाइयों को 1.5 गुना पूंजीगत सहायता दी जा रही है। इसके अतिरिक्त खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को 5 वर्षों तक मंडी शुल्क में 100% तथा विद्युत टैरिफ में ₹1 प्रति यूनिट की छूट भी दी जा रही है। प्रदेश में उपलब्ध 4,42,000 हेक्टेयर जल क्षेत्र में से 4,40,000 हेक्टेयर जल क्षेत्र मछली
पालन अंतर्गत लाया जा चुका है। वर्ष 2023-24 में 3,82,000 मैट्रिक टन मत्स्य उत्पादन तथा लगभग 215 करोड़ मत्स्य बीज का उत्पादन किया गया है, जो अब तक का सर्वाधिक है। मुझे यह अवगत कराते हुए प्रसन्नता है कि अहमदाबाद में आयोजित ग्लोबल फिशरीज कॉन्फ्रेंस में प्रदेश के सिवनी जिले को बेस्ट इनलैंड डिस्ट्रिक्ट का प्रथम पुरस्कार तथा बालाघाट जिले की सरस्वती मछुआ सहकारी समिति को मछुआ सहकारी समिति की श्रेणी में वित्तीय पुरस्कार प्राप्त हुआ है। कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र के लिए वर्ष 2024-25 में रुपये 66,000 की तुलना में 23% अधिक है। स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार एवं उन्हें स्वास्थ्य मानव जीवन की पूंजी सरकार स्वास्थ्य सुविधाओं में निवेश को निरंतर बढ़ा रही है। मैंने अपने पिछले भाषण में कहा था कि हमारी सरकार प्रदेश में इंडियन पब्लिक हेल्थ स्टैंडर्ड के मापदंडों को लागू करेगी। सदन को अवगत कराते हुए मुझे प्रसन्नता है कि इन मापदंडों के पालन की दिशा में हमारी सरकार ने 46,000 से अधिक नवीन पदों का सृजन किया। आगे जगदीश भाई, 46,000 पद व्यापक पहुंचो, इसके लिए संस्थागत व्यवस्था को भी मजबूत बनाया गया है। हमारी सरकार चिकित्सा शिक्षा की उपलब्धता को बढ़ाने एवं चिकित्सा सुविधा को प्रत्येक नागरिक तक पहुँचाने हेतु कृत संकल्पित है। प्रदेश में वर्ष 2003 में मात्र 5 शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय संचालित थे। हमारी सरकार के अथक प्रयासों से वर्तमान में 14 शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, तीन गुना आगे 3 और शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय मंत्रो नीमच एवं सिवनी में संचालित हो जाएंगे। इसके पश्चात आगामी 2 वर्षों में 8 और शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय संचालित करने के। क्या बात है, प्रदेश के शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय में वर्तमान में 2,275 स्नातक स्तर की सीट तथा 1,262 स्नातकोत्तर स्तर की सीट उपलब्ध है। नवीन चिकित्सा महाविद्यालय में संचालन के उपलब्ध इन सीटों की संख्या में वृद्धि होगी तथा नवीन सीटों की संख्या स्नातक पर 3,600 स्तर पर 1,560 हो जाएगी। हमारी सरकार द्वारा समाज के सभी वर्गों को बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने की दृष्टिगत रखते हुए आयुष्मान भारत योजना का दायरा और अधिक विस्तृत किया है। इस योजना अंतर्गत अब तक लगभग 1,08,00,000 परिवारों के 4,01,00,000 सदस्यों के आयुष्मान कार्ड बनाए जा चुके हैं। आयुष्मान इस ग्राहियों के लिए नवीन बेनिफिट पैकेज 2022 लागू किया गया है। इसमें पूर्व की 1,670 चिकित्सा प्रक्रियाओं को विस्तारित करते हुए अब 1,952 प्रक्रियाओं के अंतर्गत हितग्राहियों को लाभान्वित किया जा रहा है। राज्य में अब 1,000 से भी अधिक चिकित्सालयों को योजना के अंतर्गत संबद्ध किया गया है। इस योजना हेतु कुल राशि रुपये 1,381 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है, जो 45% अधिक है। हमारी सरकार राज्य के नागरिकों की निशुल्क जांच सुविधा उपलब्ध कराने हेतु निरंतर प्रयासरत है। निजी भागीदारी के माध्यम से वेट लीड मॉडल अंतर्गत जिला चिकित्सालय में 132 प्रकार की तथा हब एंड स्पोक मॉडल के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में 45 प्रकार की जांच सुविधाएं उपलब्ध कराई गई है। प्रदेश में गंभीर रोगियों को आपात स्थिति में उचित समय पर उच्च स्तरीय चिकित्सा उपचार उपलब्ध कराने हेतु पीएम श्री एयर एम्बुलेंस सेवा योजना प्रारंभ की गई है। धन्यवाद सीएम साहब, मुख्यमंत्री जी धन्यवाद। प्रदेश के शासकीय चिकित्सालयों में उपचार दौरान हो जाने पर पार्थिव शरीर परिजनों को सम्मान सौंप कर घर तक पहुंचाने के लिए मध्य प्रदेश शांति वाहन सेवा प्रारंभ की गई है। आयुष चिकित्सा पद्धति से उपचार की सुविधा को प्रदेश में विस्तारित किया जा रहा है। वर्ष 23-24 में 1,37,00,000 जनसंख्या का आयुष पद्धति से उपचार किया गया है। प्रदेश में बालाघाट, शहडोल, सागर, नर्मदापुरम एवं मुरैना में आयुर्वेद चिकित्सा प्रारंभ किए जाएंगे। प्रदेश में 800 आयुष आरोग्य मंदिर का संचालन भी प्रारंभ किया गया है। स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए वर्ष 24-25 हेतु ₹21,144 करोड़, जो कि वर्ष 23-24 के बजट अनुमान से 34% अधिक है। क्या बात है, छा गई मोहन सरकार। महिला एवं बाल विकास, किसी भी परिवार समाज प्रदेश के
प्रभावशाली व सर्वांगीण सरकार के अंदर उपस्थित जारी मंत्री बेटा है विश्वास सारंग उपाय नहीं है। हमारी सरकार द्वारा कन्या रत्न की पहली किलकिरी से लेकर उनके संपूर्ण जीवन के लिए कल्याणकारी योजनाएं एवं कार्यक्रम लागू किए जा रहे हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे सदन को अवगत कराते हुए खुशी है कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा प्रतिपादित महिला सशक्तिकरण की प्राथमिकता से दृष्टिगत हमारी सरकार द्वारा गत 3 वर्ष में प्रारंभ की गई लाडली बहना योजना को राष्ट्रीय स्तर पर सराहा गया है। कई राज्य इस योजना को अंगीकृत कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी, प्रदेश की सबसे बड़ी बेनिफिट ट्रांसफर डीबीडी योजना है। लाडली लक्ष्मी योजना अंतर्गत योजना प्रारंभ करा है। 48,03,000 बालिकाओं को लाभान्वित किया है। प्रदेश की लक्ष्मियों के आत्मनिर्भर बनाने एवं उनकी उच्च शिक्षा सुनिश्चित करने की परिकल्पना को यह योजना साकार कर रही है। हमारे प्रदेश के नौनिहाल हमारे देश का सुनहरा भविष्य बनेंगे। हमारी सरकार इन नौनिहालों को आंगनवाड़ी केंद्र के माध्यम से पोषण की सुरक्षा एवं शिक्षा मुहैया करा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अनुप्रेरणा से सक्षम आंगनवाड़ी एवं पोषण 2.0 योजना के अंतर्गत 11,706 केंद्रों को सक्षम आंगनवाड़ी केंद्र में उन्नत किया जा रहा है। क्या बात है, बहुत बहुत बधाई। प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान अंतर्गत विशेष जनजाति क्षेत्रों में 217 आंगनवाड़ी भवनों का निर्माण किया जा रहा है। प्रति वर्ष 2024-25 में आंगनवाड़ी केंद्रों में के भवन निर्माण के लिए ₹150 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है। हमारी सरकार प्रदेश की महिलाओं को गरिमा पूर्ण जीवन उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। लाडली लक्ष्मी एवं लाडली बहना योजना से हमारी बहन बेटियां न केवल अपनी छोटी छोटी आवश्यकताओं को पूरा करने में समर्थ होंगी बल्कि बैंकिंग प्रणाली के से जुड़ने का अवसर पाकर उनमें वित्तीय जागरूकता का संचय भी हो रहा है। महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त आत्मनिर्भर बनने परिवार के निर्णय में उनकी सशक्त भूमिका और सामाजिक सम्मान में वृद्धि सरकार के प्रयासों को फलीभूत कर रही है। इन योजनाओं के सफल क्रियान्वयन का भी परिणाम है कि प्रदेश में बाल विवाह में निरंतर कमी आ रही है और जन्म के समय लिंगानुपात 927 से बढ़कर 956 हो गया है। बहुत बढ़िया के लिए वर्ष 24 काम हो रहा है। ₹26,560 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है जो कि वर्ष 23-24 के बजट अनुमान से 81% अधिक है। हमारी सरकार महिलाओं बालिकाओं के सर्वांगीण विकास के लिए शासन के लगभग सभी विभागों में योजनाएं संचालित कर रही है जिसे जेंडर बजट के रूप में संकलित किया जाता है। वर्ष 24-25 में जेंडर बजट में 1,21,997 का प्रावधान है जो गत वर्ष 23-24 के प्रावधान 1,02,976 करोड़ के प्रावधान से 19,021 करोड़। क्या बात है, छावे छावे। शिक्षा अज्ञान का तिमिर मिटाकर ज्ञान का दीप जलाती है। सर्व संसाधन युक्त स्कूल बच्चों के संतुलित शारीरिक मानसिक एवं बौद्धिक विकास की मजबूत नींव रखेगा। बच्चों के सर्वांगीण विकास की सोच के साथ हमने स्टीम राइज का सपना पूरा बुना है। वित्तीय वर्ष 2024-25 स्कूल शिक्षा विभाग अंतर्गत लगभग 150 सीएम राइज विद्यालय नवीन भवन संचालित होंगे। इन विद्यालयों में 1 किलोमीटर से अधिक दूर रह रहे प्राथमिक शाला एवं 2 किलोमीटर से ज्यादा दूर रह रहे अन्य कक्षा के बच्चों के लिए परिवहन व्यवस्था लागू की गई है। सीएम राइज स्कूल विद्यालय के लिए 2,000 शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति सरकार द्वारा शासकीय विद्यालय में नई शिक्षा नीति के अभी तक 1,500 विद्यालयों में पूर्व प्राथमिक कक्षाएं संचालित की जा चुकी है। वर्ष 2024-25 में लगभग 3,200 प्राथमिक शालाओं में पूर्व प्राथमिक कक्षाएं प्रारंभ की जाएगी। विद्यार्थियों में कौशल विकास एवं इमर्जिंग ट्रेंड्स के दृष्टिगत एआई मशीन लर्निंग कोडिंग आदि आधारित शिक्षा उपलब्ध कराई जाएगी। शासकीय स्कूलों में विषयवार शिक्षकों की उपलब्धता के साथ खेल नृत्य संगीत शिक्षकों में कार्रवाई की जा रही है। पीएमसी योजना अंतर्गत 730 विद्यालयों को चिन्हित किया गया है। प्रतिपक्ष के सदस्यों से अनुरोध है गुणवत्ता के साथ बहुत मेगा भाई जनजाति समुदाय को बेहतर शिक्षा उपलब्ध कराने हेतु पीएम जनमन गरीबों की सरकार है, गरीबों को शिक्षा दे रही है। शासकीय एवं अशासकीय विद्यालय में कक्षा 1 से 12 तक अध्ययनरत लगभग 64 लाख विद्यार्थियों को विभिन्न प्रकार की छात्रवृत्तियां दी जा रही है। इस वर्ष लगभग 63 लाख विद्यार्थियों को निःशुल्क गणवेश एवं लगभग 87 लाख विद्यार्थियों को निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें दी जाएगी।
शिक्षा के जीवन चक्र का एक अत्यंत महत्वपूर्ण पड़ाव उच्च शिक्षा है। हम स्कूल शिक्षा में गुणवत्ता युक्त शिक्षा सुनिश्चित करने के साथ ही उच्च शिक्षा की दिशा में भी सार्थक कदम उठा रहे हैं। मुझे यह बताते हुए हर्ष है कि वर्तमान में मध्य प्रदेश का सकल पंजीयन अनुपात 29.9 है, जो राष्ट्रीय सकल पंजीयन अनुपात 28.4 से अधिक है। वाह, बहुत बढ़िया, शिक्षा के क्षेत्र में शानदार प्रगति। ढांचे को मजबूत करने के लिए प्रारंभ की गई पीएम उषा परियोजना के लिए मैं इस सदन में उसे माननीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। इस योजना अंतर्गत प्रदेश के लिए 565 करोड़ की कार्य, प्रत्येक जिले में पुरुष से संचालित एक महाविद्यालय को प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस में उन्नयन किया जा रहा है। इन महाविद्यालयों के लिए 2000 से अधिक नवीन पद भी सृजित किए गए हैं। प्रदेश के विद्यार्थियों के लिए उच्च शिक्षा सुगम बनाने हेतु 3 नवीन शासकीय विद्यालय विश्वविद्यालय तथा क्रांति सूर्य टंटिया भील विश्वविद्यालय, खरगोन तात्या टोपे विश्वविद्यालय, गुना एवं रानी अवंतीबाई लोधी विश्वविद्यालय सागर की स्थापना की गई है। इसके अतिरिक्त 2 निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना भी प्रदेश में हुई है। विश्व बैंक परियोजना के माध्यम से 247 महाविद्यालयों में राशि ₹244 करोड़ का प्रावधान कर भौतिक एवं अकादमिक अधोसंरचना विकास के कार्य कराए जा रहे हैं। हमारी सरकार हर हाथ को काम के उदाहरण पर कार्य कर रही है। युवाओं को तकनीक की शिक्षा एवं कौशल विकास के माध्यम से रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जा रहे हैं। प्रदेश में वर्तमान में कुल 268 शासकीय ITI संचालित है। इस वर्ष 22 नवीन ITI प्रारंभ की जाएगी, जिनसे 5280 अतिरिक्त सीट की वृद्धि होगी। देवास, छिंदवाड़ा एवं धार को ग्रीन स्किलिंग ITI में विकसित कर सोलर टेक्नीशियन एवं इलेक्ट्रिक व्हीकल मैकेनिक पाठ्यक्रम प्रारंभ किए गए हैं। विद्यार्थियों को विशिष्ट कौशल एवं आधुनिक तकनीक का प्रदान करने के उद्देश्य से प्रदेश में के प्रत्येक संभाग में स्थित इंजीनियरिंग पॉलिटेक्निक महाविद्यालय में कोडिंग लैब की स्थापना की जाएगी। मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2023-24 में 61,000 से अधिक मेधावी विद्यार्थियों को लगभग ₹450 करोड़ की छात्रवृत्ति वितरित की गई। शिक्षा के लिए वर्ष 24-25 में ₹52,682 करोड़। क्या बात है, शिक्षा के क्षेत्र में धमाका, शिक्षा के क्षेत्र में धमाका। खेल एवं युवक कल्याण, युवाओं के शारीरिक व मानसिक क्षमताओं की वृद्धि तथा उनमें टीम भावना विकसित करने में खेलों की अहम भूमिका है। प्रदेश में अंतर्राष्ट्रीय स्तर की खेल सुविधाओं को विस्तारित किया जा रहा है। मैंने अपने पिछले बजट भाषण में अवगत कराया था कि भोपाल को स्पोर्ट्स हब बनाने का तथा प्रदेश में स्पोर्ट्स टूरिज्म को बढ़ाने हेतु नातू बरखेड़ा भोपाल में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का निर्माण व अंतर्राष्ट्रीय स्तर के स्पोर्ट्स साइंस सेंटर की स्थापना की जाएगी। मुझे यह बताते हुए खुशी है कि नातू बरखेड़ा में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के हॉकी टर्फ एवं पेवेलियन का निर्माण लगभग पूर्ण। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बधाई। मुझे सदन को अवगत कराते हुए गौरव का अनुभव रहा है कि 19वें एशियाई खेल में प्रदेश के खिलाड़ियों ने 6 स्वर्ण पदक सही 14 स्वर्ण पदक जीते। पैरा एशियन खेलों में 1 स्वर्ण पदक सही 4 पदक अर्जित कर ऐतिहासिक प्रदर्शन किया है। वाह भाई, बहुत बढ़िया। होने वाले ओलंपिक एवं पैरा ओलंपिक खेलों में प्रदेश के 5 खिलाड़ियों द्वारा प्रतिभागिता की जा रही है। शासकीय सेवा में नियुक्ति का चयन परीक्षा के लिए प्रदेश के युवाओं द्वारा जमा किए जाने वाले आवेदन शुल्क के भार को कम करने के लिए राज्य शासन द्वारा एक नवीन नीति बनाई जाएगी। खेल एवं युवा कल्याण विभाग के लिए वर्ष 2024-25 में ₹586 करोड़ जनजाति अनुसूचित जाति प्रदेश की जनजाति एवं उनकी संस्कृति प्रदेश की हमारी सरकार का प्रयास है कि उनकी विशिष्ट जीवन शैली संस्कृति व परिवेश को अक्षुण्ण रखते हुए उन्हें समाज की मुख्य धारा से जोड़े। इसी क्रम में पेशा अधिनियम वन अधिकार अधिनियम जैसे कानूनों में संरक्षण व अधिकार दिए गए हैं। बंद करो छात्रवृत्ति निःशुल्क शिक्षा रोजगार प्रशिक्षण रोजगार में प्राथमिक विविध आर्थिक सहायता बस्ती विकास योजना निवारण योजना जैसी योजनाओं से वर्ग के जीवन स्तर में सुधार आया है। अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायत का विस्तार पेशा अधिनियम के तहत पेशा नियम ₹9 नवंबर 2022 से प्रदेश में लागू है। यह नियम प्रदेश की कुल 5,210 ग्राम पंचायतों तथा 11,783 ग्रामों में लागू है। प्रदेश में इन
नियमों के अंतर्गत प्राप्त अधिकारों का उपयोग जनजाति वर्ग के हितों के संरक्षण के लिए अत्यंत प्रभावशाली साबित हो रहा है। हमारे संवेदनशील प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का विशेष आभार है कि उन्होंने विशेष पिछड़ी जनजातियों के बाहुल्य क्षेत्र में सर्वांगीण विकास सुनिश्चित करने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री जनजाति मुख्यमंत्री जी युवाओं की बात मध्य प्रदेश के युवाओं की इस योजना नहीं दे रहे माननीय मुख्यमंत्री में बहुउद्देशीय ग्रामीण आवास इसके युवाओं की समग्र शिक्षा इतना पर्री घोटाले के लिए रुपये के प्रावधान परमिशन है गलत दी गई गलती हुई जनजाति मुख्यमंत्री इसके अंदर दोषी मंत्री सीएम कराने में आप क्षेत्रों में स्वीकृत किए गए हैं माननीय मुख्यमंत्री जी माध्यम से छात्रों को शैक्षणिक एवं अन्य विधाओं की शिक्षा दी जाएगी। वित्तीय वर्ष 2024-25 में 38 विद्यालयों का निर्माण कार्य पूर्ण किया जाकर उनमें शैक्षणिक गतिविधियाँ प्रारंभ कर दी जाएगी। वित्तीय वर्ष 2024-25 में सीएम राइज विद्यालयों में 667 करोड़ का प्रावधान छा गई मोहन सरकार छा गई हमारी सरकार पिछड़ी जनजातियों बेगा भारिया सारिया और निःशुल्क आहार उपलब्ध कराने हेतु कृत संकल्पित है। इन जनजाति परिवारों को रुपये 1,500 प्रतिमा के मान से आहार अनुदान के रूप में सहायता राशि उपलब्ध कराई जाती है। वित्तीय वर्ष 2024-25 में आहार अनुदान योजना के अंतर्गत रुपये 450 गरीबों के लिए 450 करोड़ हमारी सरकार जनजाति वर्ग के विद्यार्थियों के जीवन भविष्य को और भी बेहतर बनाने संकल्प वर्गों के विद्यार्थियों नीट जैसी महत्वपूर्ण प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु अच्छी से अच्छी कोचिंग सुविधा उपलब्ध कराने को ध्यान में रखते हुए बजट में प्रावधान किया जा रहा है। आकांक्षा योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 24-25 में 10 करोड़ भविष्य के लिए सबसे बड़ी योजना जनजाति कार्य विभाग के छात्रावासों को और भी बेहतर बनाने हेतु अधोसंरचना के सुदृढ़ीकरण के कार्य किए जा रहे हैं। छात्रावासों के विद्यार्थियों की समस्याओं के निराकरण एवं मार्गदर्शन हेतु 24x7 मित्र हेल्पलाइन प्रारंभ की गई है। छात्रावासों में विद्यार्थियों के लिए कंप्यूटर की शिक्षा उपलब्ध कराई जा रही है। जनजाति वर्ग की गौरवपूर्ण परंपराओं एवं उन्नत संस्कृति को संरक्षित रखने के प्रदर्शित करने हेतु भी हमारी सरकार सतत प्रयासरत है। छिंदवाड़ा में बादल भोई स्वतंत्रता संग्राम सेनानी जबलपुर में श्री शंकर शाह कुंवर रघुनाथ शाह संग्रहालय का निर्माण एवं विस्तारीकरण किया जा रहा है। वर्ष 23-24 में प्री पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति अंतर्गत 550 करोड़ 66 लाख की राशि वितरित की गई है। इन्हीं मदों में वर्ष 24-25 में रुपये 728 करोड़ की राशि छात्रवृत्ति भुगतान अनुमान क्या बात है आदिवासी भाइयों के लिए अंतर्गत वर्ष 23-24 में 1 लाख से अधिक विद्यार्थियों को लाभान्वित कर रुपये 156 करोड़ का भुगतान किया गया है। वर्ष 24-25 में इसी योजना अंतर्गत 200 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है। वर्ष 23-24 में विदेश अध्ययन छात्रवृत्ति अंतर्गत 10 विद्यार्थियों को रुपये 2 करोड़ 89 लाख की छात्रवृत्ति वितरित की गई है। वर्ष 24-25 के लिए रुपये 6 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है। जनजाति बाहुल्य क्षेत्र में शिक्षा सुविधा का विस्तार हमारी सरकार की प्राथमिकता है। इस क्रम में सोंदवा माइक्रो सिंचाई परियोजना अलीराजपुर निवाली उद्वन माइक्रो सिंचाई परियोजना बरवाणी महेश्वर जानापाव उद्वन माइक्रो सिंचाई परियोजना खरगोन धार इंदौर सेंदवा उद्वन माइक्रो सिंचाई परियोजना बड़वानी धार उद्वन माइक्रो सिंचाई परियोजना धार नर्मदा झाबुआ पेटलावा थानदा सरदारपुर उद्वन माइक्रो सिंचाई परियोजना सम्मिलित है। इन सिंचाई परियोजनाओं के पूर्ण होने पर आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र में 2,53,120 हेक्टेयर धन्य है मोहन सरकार धन्य है। प्रदेश के जनजाति क्षेत्रों की अधोसंरचना विकास के लिए सिंचाई के साथ साथ मोहन के ऊर्जा की लगभग 10,700 करोड़ से अधिक की विभिन्न परियोजनाओं का निर्माण किया जा रहा है। हमारी संवेदनशील सरकार ने अनुसूचित जनजाति वर्ग को समाज की मुख्य धारा में लाने के लिए अनुसूचित जनजाति उप योजना अंतर्गत 2024-25 हेतु 40,804 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित किया है जो कि वर्ष 23-24
से रुपये 3,856 करोड़ अधिक है। अनुसूचित जनजाति कल्याण प्रदेश के अनुसूचित जाति वर्ग को बेहतर जीवन उपलब्ध कराने के लिए हमारी सरकार निरंतर प्रयासरत है। अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों को विदेश अध्ययन छात्रवृत्ति, प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति, पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति, आवास भत्ता योजना के अंतर्गत लाभान्वित किया जा रहा है। इस वर्ग के युवाओं को रोजगार से जुड़े कौशल प्रशिक्षण दिया जाकर प्रशिक्षणार्थियों को रोजगार भी उपलब्ध कराया गया। प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना अंतर्गत पूर्व से चयनित 1,034 अनुसूचित जाति बाहुल्य आदर्श ग्राम के अतिरिक्त 619 चयनित ग्रामों को भी योजना में सम्मिलित किया गया है। मैंने अपने पिछले भाषण में सदन को अवगत कराया कि सागर में संत रविदास स्मारक स्थापित किया जाएगा। मुझे अवगत कराते हुए हर्ष है कि स्मारक निर्माण का कार्य प्रगति में है। इसके अतिरिक्त सरकार संत रविदास जनकल्याणकारी भावनाओं एवं उपदेशों को जन जन तक पहुँचाने के लिए प्रदेश के 30 जिलों में संत रविदास महाराज की। अनुसूचित जाति वर्ग के युवाओं के स्वरोजगार हेतु संत रविदास स्वरोजगार योजना, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आर्थिक कल्याण योजना, सावित्री बाई फूले स्व सहायता समूह योजना, मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति वित्त पोषण योजना संचालित की जा रही है। हमारी सरकार अनुसूचित जाति वर्ग के विद्यार्थियों को बेहतर शिक्षा एवं संसाधन उपलब्ध कराने के हेतु कृत संकल्पित है। विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति, शिष्यवृत्ति, गणवेश, छात्रावास सुविधा आदि के लिए वर्ष 2024-25 में रुपये 1,427 करोड़। अनुसूचित जाति के छात्रावासों से बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने हेतु हमारी सरकार सतत रूप से प्रयास कर रही है। छात्रावासों में नियमित शैक्षणिक गतिविधियों के साथ पाठ्येतर गतिविधियों पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है। हमारी संवेदनशील सरकार ने अनुसूचित जाति वर्ग को समाज की मुख्य धारा में लाने के लिए अनुसूचित जाति उपयोजना अंतर्गत वर्ष 24-25 हेतु रुपये 27,900 करोड़ का प्रावधान। जय जयकार हो मोहन सरकार की। पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक कल्याण, विमुक्त घुमंतु और अर्ध घुमंतु कल्याण, हमारी सरकार प्रदेश के पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक वर्ग के सामाजिक आर्थिक विकास के लिए सभी आवश्यक कदम उठा रही है। महोदय, पिछड़ा वर्ग के युवाओं के लिए हमारी सरकार ने रोजगार मूलक आर्थिक सहायता की नवीन योजना 2022-23 में प्रारंभ की है, जिसे निरंतर रखा गया है। इस वर्ग के विभिन्न परंपरागत व्यवसायों को संरक्षित करने एवं इन व्यवसायों को में आधुनिक तकनीकी का समावेश कर इन्हें सम्मानजनक पहचान तथा बाजार उपलब्ध कराने की दिशा में हमारी सरकार प्रयत्नशील है। पिछड़ा एवं अल्पसंख्यक वर्ग के युवाओं के शैक्षणिक विकास के लिए प्री एवं पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति, विदेश अध्ययन छात्रवृत्ति, संघ एवं राज्य लोक सेवा आयोग प्रतियोगी परीक्षा प्रोत्साहन मेधावी पुरस्कार योजना, अल्पसंख्यक सेवा राज्य पुरस्कार, छात्र गृह योजना एवं विदेश में रोजगार उपलब्ध कराने हेतु प्रशिक्षण आदि योजनाओं को निरंतर रखा जा रहा है। हमारी सरकार पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक वर्ग तथा विमुक्त घुमंतु और अर्ध घुमंतु वर्ग के विद्यार्थियों को बेहतर शिक्षा एवं संसाधन उपलब्ध कराने हेतु कृत संकल्पित है। विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति, शिष्यवृत्ति, गणवेश, छात्रावास सुविधा आदि के लिए वर्ष 24-25 के बजट में आवश्यक प्रावधान प्रस्तावित है। पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक कल्याण एवं विमुक्त घुमंतु अर्ध घुमंतु समुदाय के लिए रुपये 1,704 करोड़ का 1,704 करोड़। धन्यवाद। सामाजिक न्याय, समाज का ऐसा निराश्रित वर्ग जिसके जीवन यापन में कठिनाई है, उसके लिए हमारा बजट आकांक्षाओं के बीच आश्वासनों के बीच विश्वास है। गरीब परिवार की बेटियों के सम्मान पूर्ण विवाह कार्यक्रम हेतु मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना में पिछले वर्ष के बजट अनुमान रुपये 75 करोड़ से 3 गुना से अधिक। क्या बात है, 250 करोड़ का प्रावधान। हमारी सरकार विभिन्न प्रकार की जन कल्याणकारी योजनाएं तथा राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना, राष्ट्रीय निःशक्त पेंशन योजना, राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना, समग्र सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना, मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन योजना, बहु विकलांग एवं मानसिक रूप से दिव्यांग व्यक्ति को आर्थिक सहायता, मुख्यमंत्री कन्या एवं निकाय योजना आदि संचालित कर रही है। इन योजनाओं में वर्ष 23-24 में 57 लाख से अधिक हितग्राहियों को लाभान्वित किया गया है। पेंशन एवं कल्याणकारी योजनाओं एवं 24-25 में रुपये 4,421 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 15% अधिक है। 15%।
हमारे प्रदेश के संवेदनशील मुख्यमंत्री माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व व मार्गदर्शन में नशा मुक्ति के लिए प्रदेश में नशा मुक्त भारत अभियान के लिए विभिन्न गतिविधियां संचालित है। हमारी सरकार यह विश्वास दिलाती है कि मेहनत की राह पर चलते रहेंगे, गरीबी के अंधेरे को रोशनी में बदलते रहेंगे। क्या बात है, क्या बात है, गरीब गरीबी रहेगा। मध्य प्रदेश आकर्षक औद्योगिक वाले गंतव्य, राज्य की मजबूत अधोसंरचना, अनुकूल नीति एवं निवेश मित्र परिवेश के फल स्वरूप औद्योगिकरण की गति में तेजी आई है। हमारा प्रदेश अनेक प्रकार की निवेश प्रोत्साहन सहायता के माध्यम से औद्योगिक वृद्धि को गति देने में अग्रणी रहा है तथा उद्योग अनुकूल नीतियों के माध्यम से अपनी अर्थव्यवस्था को विस्तारित करने में समर्थ हुआ है। राज्य ने ऑटो तथा ऑटो पुर्जो वस्त्र उद्योग, पर्यटन, आईटी, स्वास्थ्य देखभाल, विकास, फार्मास्यूटिकल, अक्षय ऊर्जा, जैव प्रौद्योगिकी तथा वेयर हाउसिंग सहित ऐसे थ्रस्ट सेक्टर चिन्हित किए हैं जो आर्थिक वृद्धि को आवश्यक गति प्रदान करते हैं। हमारा प्रदेश शांतिपूर्ण, समीप बल, स्थिर औद्योगिक परिवेश भी प्रदान करता है। उज्जैन में मार्च 24 में प्रथम रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में 283 औद्योगिक इकाई को लगभग 508 हेक्टर भूमि आवंटन के आशय पत्र आवंटन आदेश जारी किए गए। इसमें लगभग 12,170 करोड़ निवेश एवं 26,000 से अधिक नवीन रोजगार उपलब्ध होना संभावित है। इसके अतिरिक्त विभिन्न जिलों में 10,064 करोड़ के निवेश से स्थापित होने वाली है 61 औद्योगिक इकाइयों का लोकार्पण, भूमि पूजन किया गया। इन इकाइयों के माध्यम से 17,000 से अधिक नवीन रोजगार सृजित होंगे। वर्ष 2023-24 में 535 एमएसएमई एवं बृहत श्रेणी की औद्योगिक इकाइयों में लगभग रुपये 14,853 करोड़ का पूंजी निवेश तथा लगभग 33,143 व्यक्तियों को नवीन रोजगार संभावित है। प्रदेश के धार जिले में पीएम मित्रा पार्क माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के फाइबर टू फैक्ट्री टू फैशन टू फॉरेन से प्रेरित है तथा इसका उद्देश्य कपड़ा उद्योग की संपूर्ण मूल्य श्रृंखला के लिए एकीकृत वृहद एवं आधुनिक परिधान औद्योगिक अधोसंरचना का निर्माण करना है। इस परियोजना में रुपये 25,000 करोड़ का निवेश एवं 1,00,000 प्रत्यक्ष, 2,00,000 अप्रत्यक्ष रोजगार सृजन संभावित है। यह परियोजना मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड की परिकल्पना की ओर अग्रसर है। सीतापुर जिला मुरैना में मेगा लेदर फुटवेयर एक्सेस सीरीज की संपूर्ण मूल्य श्रृंखला के बड़े पैमाने पर आधुनिक औद्योगिक संरचना सुविधा विकसित की गई है। उज्जैन विक्रम उद्योग में मेडिकल डिवाइस पार्क की स्थापना की गई है जिससे मेडिकल उपकरणों के आयात पर निर्भरता कम होगी। प्रदेश में औद्योगिक निवेश के अनुकूल वातावरण निर्मित करने हेतु इज ऑफ डूइंग बिजनेस एवं इज ऑफ लिविंग के अंतर्गत कुल 2,427 अनुपालनों को कम अथवा समाप्त किया गया। इसी प्रकार राज्य के 24 अधिनियमों के 48 प्रावधानों को अपराध मुक्त किया गया। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी वोकल फॉर लोकल के मंत्र के अनुरूप एक जिला एक उत्पाद योजना अंतर्गत प्रदेश के प्रत्येक जिले के एक उत्पाद को राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाते हुए इन उत्पादों की पहुंच ग्लोबल मार्केट तक बनाने हेतु हमारी सरकार प्रयासरत है। मुझे यह बताते हुए हर्ष है कि डॉक्टर मोहन यादव जी के मार्गदर्शन में हमारी सरकार नवीन औद्योगिक निवेश संवर्धन नीति तैयार कर रही है। प्रदेश में और अधिक औद्योगिक निवेश को आकर्षित करने के उद्देश्य से आगामी वर्ष के प्रारंभ में ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट का आयोजन किया जाएगा। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र प्राथमिक क्षेत्र के बाद रोजगार का सबसे बड़ा सृजन करता एवं प्रदेश में डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में हमारी सरकार एमएसएमई के विकास के लिए एक सहायक और उद्योग मित्र वातावरण के निर्माण हेतु बहुआयामी पहल करने के लिए प्रतिबद्ध है। हमारी सरकार ने सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों के औद्योगिक एवं आर्थिक विकास के लिए क्लस्टर विकास के दृष्टिगत प्रमुख रणनीति के रूप में अपनाया है। राज्य क्लस्टर योजना के वर्ष 2023-24 में 9 क्लस्टरों को विकास अनुमति प्रदान की गई है। इन क्लस्टरों में 365 इकाइयों की स्थापना जिससे 9,000 से अधिक प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित होंगे एवं
रुपये 1000 करोड़ से अधिक का निवेश संभावित है। प्रदेश में युवा उद्यमियों के लिए स्टार्टअप वातावरण मजबूत हुआ है। प्रदेश के 1104 नवीन स्टार्टअप द्वारा मान्यता प्राप्त की गई है, जिनमें महिलाओं द्वारा मान्यता प्राप्त स्टार्टअप 666 है। इसी प्रकार 16 नवीन इंक्यूबेटरों की स्थापना हुई है। युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ने हेतु नवाचार के रूप में प्रदेश व्यापी रोजगार दिवस का आयोजन कर वर्ष 23-24 में विभिन्न स्वरोजगार योजनाओं अंतर्गत लगभग 21 लाख हितग्राहियों को रुपये 14,500 करोड़ की ऋण राशि दी गई। बेरोजगार नौजवानों के लिए उचित 10 वर्ष मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना अंतर्गत 16,331 हितग्राहियों के प्रकरणों में रुपये 1,056 करोड़ की ऋण राशि वितरित की गई। इस योजना को अधिक प्रभावी एवं व्यापक बनाने की कार्रवाई की जा रही है। हथकरघा एवं हस्तशिल्प क्षेत्र रोजगार के अवसरों के सृजन का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है। प्रदेश के बुनकरों एवं शिल्पियों की प्राचीन उत्कृष्ट बुनाई कला की सुप्रसिद्ध परंपरा को समृद्ध बनाने, हथकरघा बुनकरों को एवं शिल्पियों को सतत रोजगार उपलब्ध कराने तथा नए लोगों को हथकरघा हस्तशिल्प उद्योग से जोड़ने के प्रयास किए जा रहे हैं। राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय बाजार की बदलती मांग के अनुरूप उत्पादों की गुणवत्ता व डिजाइन में सुधार हेतु उन्नत प्रशिक्षण उत्पादन विकास एवं तकनीकी उन्नत हेतु सहायता दी जा रही है। उद्योग क्षेत्र के लिए 2024-25 में रुपये 4,190 करोड़ का प्रावधान है। वर्ष 23-24 से लगभग 40% अधिक है। ग्रामीण विकास, प्रदेश के ग्रामों का समग्र विकास हमारी सरकार की प्राथमिकता है। ग्रामीण क्षेत्रों में अब तक किए गए विकास कार्यों की सुपरिणाम स्पष्ट रूप से परिलक्षित हो रहे हैं। यद्यपि हमारी यह यात्रा अभी अधूरी है, पर इस अधूरी पहल में छिपा है सुनिश्चित परिणाम। यह सदन यशस्वी प्रधानमंत्री जी का हृदय से आभार व्यक्त करता है कि उन्होंने अपने तीसरे कार्यकाल की शपथ लेने के तत्काल बाद प्रधानमंत्री आवास योजना के अगले चरण की घोषणा की है। हमारी सरकार का यह प्रयास होगा कि माननीय प्रधानमंत्री जी की इस घोषणा का हमारे प्रदेश को अधिक से अधिक लाभ प्राप्त हो। वर्ष 24-25 के बजट में इस हेतु रुपये 4,000 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ बनाने एवं ग्रामवासियों के जीवन को उन्नत बनाने के लिए ग्रामीण एवं संपर्क एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत वर्ष 24-25 के बजट में रुपये 1,800 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है। इसके साथ ही इन सड़कों के नवीनीकरण एवं उन्नयन के लिए भी रुपये 900 करोड़ का बजट प्रावधान प्रस्तावित है। ग्रामीण क्षेत्रों में स्वयं सहायता समूह के माध्यम से परंपरा एवं नवीन क्षेत्रों में स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जाते हैं। प्रदेश के स्वयं सहायता समूह को ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से बैंक ऋण स्वीकृत कराने में हमारा प्रदेश वर्ष 2021 से लगातार देश में प्रथम स्थान पर रहा है। प्रदेश के 82 महिला स्व सहायता समूह को नमो ड्रोन दीदी योजना अंतर्गत ड्रोन पायलट के रूप में प्रशिक्षित किया गया है। स्व सहायता समूह को राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय बाजार से जोड़ने के लिए विभिन्न प्रयास किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में जेम, अमेजॉन एवं फ्लिपकार्ट के माध्यम से ऑनलाइन मार्केटिंग शुरू की गई है। राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन योजना अंतर्गत वर्ष 24-25 के बजट में रुपये 800 करोड़ का बजट प्रावधान प्रस्तावित है, जो पिछले वर्ष 33% अधिक है। 33% महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना मनरेगा वर्ष 24-25 में 20 करोड़ मानव दिवस के सृजन का लक्ष्य रखा गया है। योजना अंतर्गत वर्ष 24-25 में रुपये 3,500 करोड़ का बजट प्रावधान प्रस्तावित है। प्रधानमंत्री पोषण शक्ति योजना अंतर्गत शासकीय प्राथमिक एवं माध्यमिक शालाओं के विद्यार्थियों के पोषण स्तर में सुधार हेतु निश्चित कैलोरी के साथ पका हुआ मध्यान्ह भोजन उपलब्ध कराया जाता है। इस योजना के द्वारा वर्ष 23-24 में लगभग 42 लाख बालक बालिकाओं को पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराया गया है। हमारी सरकार ने इस योजना के अंतर्गत रसोइयों के मानदेय को रुपये 400 प्रतिमाह से बढ़ाकर रुपये 3,400 प्रतिमाह, बहुत बढ़िया। योजना अंतर्गत वर्ष 24-25 के लिए रुपये 1,400 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है।
ग्रामीण क्षेत्र में जल से गर्मियों की छुट्टियों में परियोजनाओं का निर्माण कर कृषि के लिए पानी की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के लिए वर्ष 2025 में 1000 जल ग्रहण संरचनाओं के निर्माण का लक्ष्य रखा गया है। योजना अंतर्गत वर्ष 2025 के लिए ₹300 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है। स्वस्थ जीवन के प्रमुख कारकों में स्वच्छता एक महत्वपूर्ण कारक है। स्वस्थ भारत मिशन फेज 2 अंतर्गत समस्त ग्रामों में ODF के स्थायित्व को बनाए रखते हुए ग्रामों में तरल एवं ठोस अपशिष्ट के उचित प्रबंधन से ग्रामों को ODPA+ के मानकों के अनुरूप बनाया जाना स्वच्छ भारत मिशन योजना के अंतर्गत 2024-25 के लिए ₹500 करोड़ का प्रावधान 500 करोड़। जल गंगा संवर्धन अभियान अंतर्गत प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों के जल स्रोतों के संरक्षण एवं संवर्धन कार्य किए गए हैं। अभियान अंतर्गत जल संरचनाओं घाटों एवं धार्मिक स्थलों की साफ सफाई एवं जीर्णोद्धार का कार्य किया गया है। इस अभियान में जनता की उत्साहपूर्ण व सकारात्मक भागीदारी को देखते हुए हमारी सरकार ने प्रत्येक वर्ष ऐसे अभियान को संचालित करने का निर्णय लिया है। हमारी सरकार द्वारा पंचायत सचिवों के 7वें वेतनमान का लाभ प्रदान किया गया है। ग्राम रोजगार सहायकों के मानदेय को प्रतिमाह ₹9000 से बढ़ाकर 18000 किया जाएगा। बहुत बढ़िया। पंचायतों के सर्वांगीण विकास के लिए हमारी सरकार सदैव प्रतिबद्ध रही है। पंचायत एवं ग्रामीण विकास के लिए वर्ष 2024-25 में राशि ₹27,870 करोड़ का बजट प्रावधान। बहुत बढ़िया, गजब। क्रांति है क्रांति। नगरी निकाय प्रदेश के शहरों की सीमाओं में निरंतर विस्तार एवं शहरी जनसंख्या में वृद्धि हो रही है। वर्ष 47 तक लगभग 50% आबादी शहरों में होगी, ऐसा अनुमान। शहरी जनसंख्या को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए हमारी सरकार सुनियोजित रीति से अनेक विकास कार्यक्रम संचालित कर रही है। स्वच्छ भारत अभियान में हमारा प्रदेश तथा हमारे शहर अग्रणी है। हमारे नगरी निकाय स्वच्छता कार्यक्रमों में नए आयाम स्थापित कर रहे हैं। स्वच्छ भारत मिशन 2.0 के अंतर्गत प्रदेश के सभी शहरों में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन एवं अपशिष्ट जल प्रबंधन के लिए आगामी 5 वर्षों में राशि 5000 करोड़ का निवेश किया जाएगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे सदन को अवगत कराते हुए गौरव हो रहा है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के ऊर्जावान नेतृत्व में सुनियोजित रीति से किए गए कार्यों के परिणाम स्वरूप प्रदेश को पीएम स्वनिधि योजना में प्रथम स्थान, प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के क्रियान्वयन में देश में दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है। स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 में इंदौर को सातवीं बार देश का सबसे स्वच्छ शहर नंबर का सम्मान प्राप्त हुआ है। पेयजल नागरिकों की मूलभूत आवश्यकता है। अमृत 2.0 के अंतर्गत सभी नगरीय निकायों में पेयजल और 1 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में सीवेज योजनाओं का विस्तार किया जाएगा। प्रदेश में प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी में सभी निकायों को सम्मिलित किया गया है। अभी तक 7,73,000 आवास स्वीकृत किए गए हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना का विस्तार किया जा रहा है। इससे लाभार्थी परिवारों को गरिमापूर्ण जीवन जीने तथा सामाजिक एवं आर्थिक उन्नति करने का अवसर प्राप्त होगा। प्रदेश में शहरी यातायात व्यवस्था को सुगम और पर्यावरण को प्रदूषित होने से रोकने के लिए प्रदेश में 15 शहरों में लगभग 1,200 आधुनिक आरामदायक बसों का संचालन किया जा रहा है। हमारा प्रयास है कि इंदौर एवं भोपाल में मेट्रो रेल का संचालन शीघ्र। बहुत बड़ा काम है, बहुत बड़ा काम। ये भी बस योजना अंतर्गत 6 शहरों तथा इंदौर, भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर, सागर में भारत की सहायता से 552 ई बसों का संचालन किया जाएगा। प्रदेश के में शहरी अधोसंरचना के उन्नयन एवं विकास हेतु कायाकल्प योजना के अंतर्गत ₹1,200 करोड़, वाह वाह, 1,200 करोड़ योजना अंतर्गत 1,100 करोड़ रुपये तथा मुख्यमंत्री शहरी अधोसंरचना विकास योजना अंतर्गत ₹1,700 करोड़ के वृहद स्तर पर निर्माण कार्य प्रगतिरत है। प्रदेश के शहरों में मास्टर प्लान की सड़कों के उन्नयन एवं विकास हेतु इसी वर्ष ₹250 करोड़ का प्रावधान।
प्रदेश के उज्जैन तथा जबलपुर शहरों का सिटी 2.0 प्रतिस्पर्धा में चयन किया गया है। इसके अंतर्गत इन दोनों शहरों को इन 3 वर्षों में राशि 135 करोड़ प्रति शहर भारत सरकार से प्राप्त हो। मोदी सरकार की जय हो। नगरी निकायों में जन भागीदारी के माध्यम से अधोसंरचना विकास हेतु मुख्यमंत्री जन सहभागिता निर्माण योजना तथा प्रदेश के शहरी क्षेत्र में नागरिकों के स्वस्थ जीवन यापन हेतु उपयुक्त वातावरण प्रदान करने के लिए नगर वनीकरण योजना प्रस्तावित है। बहुत बढ़िया है। इसके अंतर्गत इन दोनों शहरों को इन 3 वर्षों में राशि 135 करोड़ प्रति शहर भारत सरकार से प्राप्त हो। मोदी सरकार की जय हो। नगरी निकायों में जन भागीदारी के माध्यम से अधोसंरचना विकास हेतु मुख्यमंत्री जन सहभागिता निर्माण योजना तथा प्रदेश के शहरी क्षेत्र में नागरिकों के स्वस्थ जीवन यापन हेतु उपयुक्त वातावरण प्रदान करने के लिए नगर वनीकरण योजना प्रस्तावित है। बहुत बढ़िया। वर्ष 2008 में उज्जैन में सिंहस्थ मेला आयोजित होना है। इस आयोजन में देश विदेश से बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं का आगमन होगा। इस विशाल आयोजन की तैयारी में क्षेत्र में 10 जिलों की आधारभूत संरचनाओं को विकसित करने की कार्रवाई इसी वित्तीय वर्ष से प्रारंभ कर दी गई है। इस हेतु वर्ष 2024-25 में ₹500 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है। बोलो महाकाल राजा की। संरक्षित जल सुरक्षित कल के सूत्र वाक्य को समक्ष में रखकर हमारी सरकार ने संपूर्ण प्रदेश के जल स्रोतों के संरक्षण एवं पुनर्जीवन के लिए दिनांक 5 जून से 16 जून की अवधि में जल गंगा संवर्धन अभियान चलाया। इसमें जन सहभागिता से कुएं, बावड़ी, नदी, घाटों एवं मंदिरों की साफ सफाई एवं जीर्णोद्धार, नालों के पानी के जल संरचनाओं में मिलने वाले से पहले शोधन जैसे कार्य हाथ में लिए गए। इस अभियान में जनता की उत्साहपूर्ण और सकारात्मक भागीदारी को देखते हुए हमारी सरकार ने प्रत्येक वर्ष ऐसे अभियान को संचालित करने का निर्णय लिया है। राज्य वित्त आयोग के अनुशंसा अनुसार नगरी निकायों को मूलभूत सेवाओं हेतु वर्ष 24-25 में ₹1,111 करोड़ का प्रावधान। बहुत बड़े 1,111 करोड़, 269 करोड़ अधिक है। नगरी निकाय के लिए वर्ष 24-25 हेतु ₹16,744 करोड़। कमाल है 1,111 करोड़ अधिक है। डिजिटल मध्य प्रदेश हमारा देश दुनिया का आईटी हब बन रहा है। तेजी से वृद्धि कर रहे आईटी क्षेत्र में व्याप्त असीम संभावना का हमारे प्रदेश के युवाओं को भी मिल रहा है। इंदौर, भोपाल, जबलपुर एवं ग्वालियर में स्थापित आईटी उद्योगों में 1,00,000 से अधिक युवाओं को रोजगार उपलब्ध हो रहा है। प्रदेश में अधिसूचना प्रौद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति 2023 के तहत आईटी कंपनियों को विभिन्न प्रकार की सुविधाएं प्रदान की जा रही है। मुझे बताते हुए हर्ष है कि मध्य प्रदेश में इंफोसिस, TCS, एक्सेंचर, परसिस्टेंट एवं कॉग्निजेंट जैसी देश की 5 बड़ी आईटी कंपनियां कार्यरत है। विभिन्न शासकीय योजनाओं में हितग्राहियों को सीधे बैंक खाते से में राशि हस्तांतरित की जाती है। इसी क्रम में प्रदेश में विकसित यूनिफाइड पेमेंट पोर्टल यूनिपे माध्यम से लगभग 26 करोड़ सव्यवहार किए गए हैं, जिससे हितग्राहियों को ₹31,500 करोड़ का डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। ओहो, इतना पैसा कहाँ से लाए भैया। प्रदेश में नागरिकों को पारदर्शिता व तत्परता के साथ ऑनलाइन रूप से विभिन्न विभागों की सेवा प्रदान की जा रही है। उल्लेखनीय है कि कई सेवाएं नागरिकों को व्हाट्सएप और अन्य ऐप के माध्यमों से भी उपलब्ध है। डिजिटल भारत, डिजिटल मध्य प्रदेश के दौर में विभिन्न विभागों ने आईटी का उपयोग बढ़ाने हेतु कई नवाचार किए हैं। हमारी सरकार ने नागरिकों के हितों का ध्यान रखते हुए राजस्व विभाग में साइबर तहसील स्थापित कर अभूतपूर्व परिवर्तन किया है। अब नामांतरण की प्रक्रिया हैशलेस, कॉन्टेक्टलेस, पेपरलेस हो गई है। यह अवगत कराते हुए अत्यंत हर्ष है कि नामांतरण आदेश की सत्य प्रति व्हाट्सएप पर भी प्राप्त हो रही है। पंजीयन की प्रक्रिया को सरलीकरण करते हुए नवीन संपदा पोर्टल का क्रियान्वयन 4 जिलों में प्रारंभ कर दिया गया है। संपदा 2.0 पोर्टल के माध्यम से आम नागरिक घर बैठे अपनी संपत्ति तथा पारदर्शी सरकार एकल नागरिक डेटाबेस SCDB परियोजना के अंतर्गत नागरिकों का एकल नागरिक डेटाबेस तैयार किया जा रहा है, जिससे सरकारी सेवाएं प्रदान करते समय नागरिकों से बार बार दस्तावेज नहीं मांगे जाएंगे।
प्रदेश में ई गवर्नेंस एप्लीकेशन एवं विभागों संस्थाओं के डाटा को सुरक्षित एवं विश्वसनीय तरीके से संकलित एवं संरक्षित करने तथा संस्था से साझा करने के उद्देश्य से स्टेट डाटा सेंटर एसडीसी स्थापित। एसडीसी में 500 से अधिक एप्लीकेशन का संधारण एवं संचालन किया जा रहा है। युवा में प्रौद्योगिकी के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए स्थापित किया गया। राज्य में खर्चों और प्रशासनिक सेवाओं को एकीकृत डेटाबेस के संचालन हेतु जियो विकसित किया गया है। जीआईएस के उपयोग से प्राप्त किया जाना सहज हो गया है। इससे योजनाओं की प्लानिंग तथ्य परक हो गई है। शासन एवं विधायी कार्य को गति प्रदान करने के उद्देश्य से माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में ई विधान ई कैबिनेट एवं ई विधान ऑफिस बनाने की कार्य योजना तैयार की जाकर शीघ्र क्रियान्वयन किया जाएगा। ई विधायक ऑफिस योजना के अंतर्गत प्रति विधायक रुपये 5 लाख रुपए प्रति विधायक मिलेंगे। धन्यवाद। कांग्रेस के लोगों को भी दे क्या वित्तीय सव्यवहार को एंड टू एंड सॉल्यूशन के लिए फेसलेस कॉन्टेक्ट लेस एंड पेपरलेस बनाने की अवधारणा के अंतर्गत IFMIS नेक्स्ट जेन की परियोजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है। प्रदेश में प्राथमिक कृषि साथ सहकारी संस्थाओं के कंप्यूटरीकरण का कार्य तेजी से चल रहा है। पैक्स संस्थाओं के अभिलेख डिजिटलाइज करने के इन संस्थाओं की कार्यप्रणाली में पारदर्शिता आएगी, जिसका लाभ प्रत्यक्ष रूप से प्रदेश के किसानों को होगा। पैक्स संस्थाओं के कंप्यूटरीकरण के लिए ₹32 करोड़ का प्रावधान रखा गया है। वन एवं पर्यावरण प्रदेश एवं देश की परिस्थिति की सुरक्षा इकोलॉजिकल सिक्योरिटी सुनिश्चित करने के लिए वनों का संरक्षण एक महत्वपूर्ण घटक है। हमारे प्रदेश का वन क्षेत्र 95,000 वर्ग किलोमीटर है, जो प्रदेश के भूभाग का 31% तथा देश के कुल वन क्षेत्र का लगभग 12% है। वनों के वैज्ञानिक प्रबंधन में मध्य प्रदेश देश का अग्रणी राज्य है। विगत वर्षों में प्रदेश में वन्य प्राणियों के संरक्षण के नए कीर्तिमान स्थापित हुए हैं। बाघ तेंदुआ घड़ियाल भेड़िया एवं गिद्धों की संख्या में हमारा प्रदेश अव्वल रहा है। हमारा प्रदेश अब चीता राज्य भी है। हमारी सरकार इन प्राकृतिक संसाधनों को और अधिक विकसित करने के लिए पर्यटकों को यह आकर्षक बनाने हेतु निरंतर प्रयासरत है। वर्षों में प्रदेश में वन्य प्राणियों के संरक्षण के नए कीर्तिमान स्थापित हुए हैं। बाघ तेंदुआ घड़ियाल भेड़िया एवं गिद्धों की संख्या में हमारा प्रदेश अव्वल रहा है। हमारा प्रदेश अब चीता राज्य भी है। हमारी सरकार इन प्राकृतिक संसाधनों को और अधिक विकसित करने के लिए पर्यटकों को यह आकर्षक बनाने हेतु निरंतर प्रयासरत है। प्रदेश में 2023-24 में 7,537 हेक्टेयर क्षेत्र में बांस रोपण एवं 21,555 मानक बोरा तेंदुपत्ता संग्रहण का कार्य किया गया है। तेंदुपत्ता संग्रहण पारिश्रमिक दर ₹3,000 से बढ़ाकर ₹4,000 प्रति मानक बोरा किया गया। धन्यवाद। प्रधानमंत्री जनमन योजना के अंतर्गत 221 वन धन केंद्रों के विरुद्ध टाइपफेड से 57 केंद्रों की स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है। इन केंद्रों के माध्यम से लघु वनोपज का प्रसंस्करण एवं संवर्धन हो सकेगा, जिससे स्व सहायता समूह की आय में वृद्धि होगी। हमारी सरकार का प्रयास है कि विभिन्न विकासात्मक गतिविधियों से होने वाले कार्बन उत्सर्जन को कम किया जाए, जिससे वर्ष 2070 तक नेट जीरो के राष्ट्रीय लक्ष्य को प्राप्त करने में मध्य प्रदेश अपना समुचित योगदान दे सके। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की प्रेरणा तथा प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के मार्गदर्शन में प्रदेश में जन सहयोग से एक पेड़ माँ के नाम अभियान चलाया जा रहा है। इसके अंतर्गत इंदौर जिले में 51 लाख पौधे लगाने का संकल्प लिया है। 51 लाख पौधे इंदौर में। पर्यावरण के लिए 224-25 में ₹4,725 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है, जो कि 23-24 से ₹782 करोड़ अधिक है। संस्कृति धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व प्रदेश के विभिन्न सांस्कृतिक समूहों को राज्य शासन द्वारा प्रोत्साहन दिया जा रहा है। इन समूहों द्वारा प्रदेश व देश के विभिन्न स्थलों तथा विदेशों में भी अपनी उत्कृष्ट कला का प्रदर्शन कर प्रदेश का सम्मान बढ़ाया गया। प्रदेश में अद्वैत वेदांत दर्शन के लोक व्यापीकरण के उद्देश्य से
ओंकारेश्वर को एकात्मता के वैश्विक केंद्र के रूप में विकसित किया जा रहा है। एकात्म धाम प्रकल्प के अंतर्गत द्वैत लोक में आचार्य शंकर की 108 फुट ऊंची एकात्मता की प्रतिमा स्थापित की गई है। साथ ही आचार्य शंकर के जीवन दर्शन पर आधारित संग्रहालय एवं आचार्य शंकर अंतर्राष्ट्रीय द्वैत वेदांत संस्थान की स्थापना की जा रही है। उज्जैन में आध्यात्मिक सांस्कृतिक विकास अभिमुख समागम विक्रमोत्सव का आयोजन 29 फरवरी 2024 से 9 अप्रैल 2024 की अवधि में सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। इस कार्यक्रम में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा विश्व की पहली वैदिक घड़ी का लोकार्पण किया गया। हमारी सरकार द्वारा युगकालीन भारत के कालजयी महानायकों की तेजस्विता का संग्रहालय वीर भारत न्यास स्थापित किया जा रहा है। वीर भारत संग्रहालय की स्थापना के माध्यम से भारत की सभ्यता के संरक्षकों के योगदान को सहेजने के ऐतिहासिक कार्य में मध्य प्रदेश ने अपने कदम बढ़ा दिए हैं। यह देश और दुनिया का अपनी तरह का पहला संग्रहालय होगा। बोले भारत माता की। भगवान श्री राम ने वनवास के दौरान प्रदेश के विभिन्न संस्थानों से पथ गमन किया। हमारी सरकार का यह संकल्प है कि राज्य की सीमाओं के अंतर्गत राम पथ गमन के अंचलों के विभिन्न स्थलों को चिन्हांकित कर उनका विकास किया जाएगा। बोले राघवेंद्र सरकार की। हमारा प्रदेश धन्य है कि भगवान श्री कृष्ण के युग परिवर्तनकारी संदेशों से उपकृत रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा श्री कृष्ण पाथे योजना की घोषणा की गई है। इस योजना के माध्यम से प्रदेश में श्री कृष्ण पथ के पुनरावेशन और संबंधित क्षेत्रों के साहित्य संस्कृति तथा संस्कार का संरक्षण। बोले गिरिराज धरण की। प्रदेश में विभिन्न स्थलों पर स्थापित प्राचीन मंदिरों को संरक्षित करने हेतु हमारी सरकार कृत संकल्पित है। मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना अंतर्गत 7,80,765 वरिष्ठ नागरिकों को रेल मार्ग अथवा वायुयान से विभिन्न धार्मिक स्थलों की निशुल्क यात्रा कराई गई। इस योजना हेतु 2024-25 में ₹50 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है। धन्यवाद मुख्यमंत्री जी, बुजुर्गों के लिए बहुत अच्छी योजना है। संस्कृति विभाग के लिए ₹1,081 करोड़ का बजट प्रावधान प्रस्तावित है। वर्ष 23-24 के व्यय में से 2.5 गुना है। पर्यटन सुविधाएं हिंदुस्तान के दिल मध्य प्रदेश ने सदैव अतिथि देव भाव के संस्कारों का परिपोषण किया है। प्राकृतिक सौंदर्य से घिरा हमारा प्रदेश सदियों से अपनी समृद्ध संस्कृति गौरवशाली इतिहास शिल्प कला दर्शनीय स्थल एवं विविध अन्य वन्य जीवन के लिए दुनिया भर के पर्यटकों के लिए आकर्षक का केंद्र। वर्ष 23 में मध्य प्रदेश के 11 करोड़ पर्यटकों का आगमन हुआ है जो कि एक कीर्तिमान है। बधाइयां। सरकार पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए ग्रामीण संस्कृति एवं ग्राम जीवन के अनुभव साहसिक पर्यटन जल पर्यटन एवं पर्यटन संरचनाओं को विकसित कर रही है। प्रदेश के प्रमुख धार्मिक एवं अन्य प्रसिद्ध पर्यटन स्थलों तक हवाई सुविधा को और अधिक सुलभ बनाने हेतु पीएम श्री एली एवं वायु पर्यटन सेवा प्रारंभ की गई है। बहुत अच्छी योजना है। साथ ही कम दरों पर विमान सेवा उपलब्ध कराने के लिए रीजनल कनेक्टिविटी योजना के तहत देश के महत्वपूर्ण नगरों में के मध्य संचालित विमान सेवा को विस्तारित किया जाएगा। प्रदेश में विमानन अधो संरचना को विस्तारित किया जा रहा है। वर्ष 24-25 में पर्यटन सुविधाओं हेतु ₹666 करोड़ का बजट प्रावधान। कहाँ से आया यार इतना माल, ये तो बताओ। 24 से ₹100 करोड़ अधिक है। संस्थागत दिनांक 1 जुलाई 2024 से 3 नए कानून क्रमशः भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 प्रभावशील हुए हैं। इनके प्रभावी क्रियान्वयन हेतु पुलिस बल को आवश्यक प्रशिक्षण दिया गया है। नवीन कानूनों के निर्माण एवं इनके क्रियान्वयन के प्रयासों पर यह सदन हमारे माननीय केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी का हृदय से आभार व्यक्त करता है। पुलिस कर्मियों की आवास समस्या से हल करने के लिए मुख्यमंत्री पुलिस आवास योजना के अंतर्गत आवासों का निर्माण किया जा रहा है। योजना अंतर्गत वर्ष 24-25 में ₹367 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है।
पुलिस व्यवस्था को और सुदृढ़ बनाने के लिए रिक्त पदों की पूर्ति के लिए आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। लगभग 7,500 नवीन भर्ती की कार्रवाई अंतिम चरण में है। नवीन भर्ती होने से पुलिस बल को और अधिक सक्षम बनाया जा सकेगा। गृह विभाग के लिए वर्ष 24-25 में रुपये 11,292 करोड़ का बजट प्रस्तावित है, जो कि गत वर्ष 23-24 से रुपये 1,043 करोड़ अधिक है। हमारी सरकार जेलों के लिए सुधारात्मक सेवाएं एवं बंदी अधिनियम के 24 का लाल आ रही है। नवीन अधिनियम भारत सरकार द्वारा बनाए गए मॉडल प्रिजन एक्ट के तर्ज पर तैयार किया गया है। नवीन अधिनियम में आधुनिक तकनीकी का प्रयोग करने हेतु विशेष प्रावधान किए गए हैं। हमारी सरकार कैदियों के कल्याण के लिए भी संवेदनशील रही है। कुशल एवं अकुशल तथा कृषि कार्य में लगे कैदियों की पारिश्रमिक दरें क्रमशः ₹120 प्रति दिवस एवं ₹72 प्रति आधा दिवस को बढ़ाकर क्रमशः ₹154 प्रति दिवस एवं ₹92 प्रति आधा दिवस की गई है। कैदियों के खाद्यान्न की गुणवत्ता में वृद्धि के उद्देश्य से वर्तमान प्रावधान में ₹25 करोड़ की वृद्धि की गई है। हमारी सरकार ऐसे गरीब कैदी जो जुर्माना अर्थदंड नहीं भर पाने के लिए के कारण जेल में सजा काट रहे हैं, उनकी रिहाई सुनिश्चित करने के लिए ऐसे बंदियों के जुर्माना एवं दंड भरेगी। इसके लिए हमारी सरकार द्वारा सरकारी स्वर्ग से गरीब कैदियों को वित्तीय सहायता की नवीन योजना प्रारंभ की जा रही है। प्रदेश के श्रमिक वर्ग की खुशहाली तथा उनके उज्जवल भविष्य सुनिश्चित करना हमारी सरकार की प्रतिबद्धता है। हमारी सरकार द्वारा संगठित एवं असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के हित में कल्याणकारी योजनाओं जैसे प्रसूति सहायता, शिक्षा, चिकित्सा, विवाह, अंत्येष्टि एवं अनुग्रह सहायता आदि को संचालित किया जा रहा है। इन योजनाओं में योजना प्रारंभ से 61,84,000 हितग्राहियों को लगभग ₹9,246 करोड़ के हित लाभ प्रदान किए गए हैं। मुख्यमंत्री जन कल्याण संबल योजना के अंतर्गत 1,67,00,000 से अधिक असंगठित श्रमिकों का पंजीयन है, जिन्हें योजना अंतर्गत पात्रता अनुसार हित लाभ दिए जा रहे हैं। वर्ष 24-25 के बजट में संबल योजना अंतर्गत ₹600 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है। राजस्व विभाग द्वारा लंबित राजस्व प्रकरण नामांतरण बंटवारा सीमांकन अभिलेख दुरस्ती नक्शे पर तरमीम के निराकरण के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी की सुशासन की सोच से प्रेरित होकर राजस्व महाअभियान का आयोजन 15 जनवरी 24 से 10 मार्च 24 तक के अवधि में किया गया है। राज्य जिला स्तरीय स्तर पर प्रतिदिन प्रकरणों की मॉनिटरिंग हेतु राजस्व महाअभियान डैशबोर्ड बनाया गया है। अभियान के अवधि में 30,00,000 से अधिक राजस्व प्रकरणों का निराकरण किया गया है। राज्य की प्रशासनिक इकाइयों के परिसीमन एवं युक्तियुक्तकरण मार्गदर्शी सिद्धांतों को निर्धारित करने हेतु मध्य प्रदेश प्रशासनिक इकाई पुनर्गठन आयोग का गठन किया जा रहा है। प्रदेश की भौगोलिक परिस्थितियों एवं जन अपेक्षाओं के आधार पर और अधिक जनोन्मुखी व सुलभ प्रशासन उपलब्ध कराने के उद्देश्य से वर्तमान प्रशासनिक इकाइयों के पुनर्गठन से के संबंध में इस आयोग का द्वारा अनुशंसाएं की जाएगी। डिजिटल ग्राफ सर्वेक्षण परियोजना के अंतर्गत ग्राम में उपलब्ध स्थानीय युवा के माध्यम से नवीन तकनीकी जियो फेस का उपयोग कर प्रत्येक खसरे की फसल गिरदावरी कराई जाएगी। सदन को अवगत कराते हुए मुझे गर्व हो रहा है कि भारत सरकार खान मंत्रालय नई दिल्ली द्वारा दिनांक 22 जनवरी 2024 को नेशनल माइनिंग कॉन्क्लेव में खनिज क्षेत्र में सर्वाधिक मुख्य खनिज ब्लॉक की नीलामी का कार्य किए जाने के लिए खनिज साधन विभाग मध्य प्रदेश को प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। हमारी सरकार ने खनिजों के अवैध परिवहन की रोकथाम के लिए 40 इलेक्ट्रॉनिक चेक गेट मानव रहित स्थापित करने की परियोजना स्वीकृत की है। पायलट प्रोजेक्ट के तहत भोपाल जिले में 3 तथा रायसेन जिले में 1 स्थान पर 6 गेट अगस्त माह में के अंत तक स्थापित कर लिया जाएगा। इस वर्ष के अंत तक परियोजना को तानाशाही। इसके साथ ही प्रदेश में भाजपा तेरी तानाशाही उपग्रह और ड्रोन आधारित परियोजना भी प्रारंभ की गई है, जिससे प्रदेश की नर्सिंग कॉलेज के घोटाले माननीय मुख्यमंत्री आपसे निवेदन है, खदानों की सभी युवाओं की बात सुने, प्रदेश के युवाओं की बात है। हमारी सरकार ने युवा आपकी ओर देख रहे जो आप मंत्रिमंडल में संचालित रख रहे हैं, क्या आपसे ज्यादा भारी है स्थान पर माननीय मुख्यमंत्री जी? मैं कहना चाहूंगा क्रमबद्ध क्रांतिकारी निर्णय का क्रांतिकारी निर्णय निवेदन है
किए जाने वाले निर्णय तो सारी मंत्री को आप क्यों अपने मंत्रिमंडल में रख रहे हैं। आपसे अनुरोध करना चाहता हूँ कि जांच कराए, शासकीय सेवक कल्याण विधायकों की सर्वदलीय कमेटी बना के जांच कराए, तत्काल मंत्री को बर्खास्त करें। विश्वास सारंग को मेरा आपसे अनुरोध है, प्रदेश के युवाओं के बारे में सोचे। आपको नरेंद्र मोदी अमित शाह ने विशेष रूप से जवाबदारी दी है, क्या आप इसे भ्रष्टाचारी मंत्री को रखना चाहेंगे? ऊर्जा समर्पण से न्याय दो, न्याय दो। राष्ट्रीय पेंशन योजना के निवेश के लिए बेहतर विकल्प उपलब्ध कराए गए हैं। पुरानी पेंशन योजना के सदस्यों के लिए लागू पेंशन को भी अधिक व्यवहारिक और सहज बनाया जाकर पेंशन स्वीकृत एवं भुगतान की प्रक्रिया का सरलीकरण किया जाएगा। विगत कुछ वर्षों से शासकीय सेवकों की पदोन्नति की प्रक्रिया बाधित रहने से शासकीय सेवकों को वित्तीय हानि न हो, इस दृष्टि से पूर्व से लागू 3 उच्च वेतनमान दिए जाने की योजना को और विस्तारित कर 33 वर्ष की सेवा उपरांत 4th उच्च वेतनमान की योजना की गई है। मैंने अपने पिछले बजट भाषण में उल्लेख किया था कि शासकीय सेवकों को देय भत्तों का 7th वेतनमान में पुनरीक्षित के लिए समिति का गठन किया गया है। इस समिति का प्रतिवेदन प्राप्त हो चुका है, जिस पर शीघ्र ही निर्णय लिया जाएगा। राज्य के शासकीय सेवकों के सामान्य भविष्य निधि के अंतिम भुगतान प्राधिकार पत्र जारी करने की ऑनलाइन व्यवस्था विकसित की जा रही है, जिससे शासकीय सेवकों को सेवानिवृत्त पर उनकी सामान्य भविष्य निधि की राशि का भुगतान त्वरित रूप से हो सकेगा। गत वर्ष के बजट की तरह इस वर्ष में भी नवीन आधारोपित अथवा किसी भी प्रकार का कर की दर बढ़ाने का प्रस्ताव नहीं है। पेट्रोल के डीजल के भाव कब करेंगे? सरकारी डीजल के भाव कब? हमारी सरकार ऐसे बुजुर्ग उनके बच्चे उनसे दूर रहते हैं तथा उनके पास आवास की पर्याप्त सुविधा नहीं है। ऐसे बुजुर्गों को आवास की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए एक नई योजना लाएगी। गत वर्ष के बजट की तरह इस बजट में भी कोई नवीन करारोपित अधिक करने किसी कर की दर बढ़ाने का प्रस्ताव नहीं है। पुनरीक्षित अनुमान 2023 का 23-24 पुनरीक्षित अनुमान के अनुसार कुल राजस्व प्राप्तियां रुपये 2,31,733 करोड़ तथा राजस्व व्यय रुपये 2,31,112 करोड़ अनुमानित है। राजस्व आधिक्य का पुनरीक्षित अनुमान रुपये 621 करोड़। माननीय प्रधानमंत्री जी के हम आभारी हैं, केंद्रीय करों से हिस्से के रूप में बजट अनुमान की तुलना में रुपये 6,519 करोड़ की राशि अधिक प्राप्त हुई है। राजकोषीय घाटे का पुनरीक्षित अनुमान 54,450 करोड़ है, जो सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 3.7% मात्र 3.6%। बहुत बढ़िया बात। वर्ष 2024-25 के कुल राजस्व प्राप्तियों का बजट अनुमान 2,63,344 करोड़ है। राज्य प्राप्तियों में राज्य करों से प्राप्तियां 1,02,97 करोड़ तथा केंद्रीय करों में प्रदेश के हिस्से के अंतर्गत प्राप्तियां 95,753 करोड़ अनुमानित है। कर विभिन्न राजस्व प्राप्तियां 20,603 करोड़। मेरा आपसे अनुरोध है, केंद्र सरकार की सहायता अनुदान अंतर्गत झूठी बात करी, सदन को गुमराह किया। मेरा आपसे अनुरोध है कि आप सर्वदलीय वित्तीय वर्ष वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए प्रदेश के स्वयं के कर राजस्व राजस्व में 2023-24 के बजट अनुमान की तुलना में लगभग 30% अधिक अनुमान है। ये मेरा आपसे अनुरोध, राजस्व प्राप्तियों का वर्ष 23-24 का बजट अनुमान 2,25,710 करोड़ रहा, जिसमें 37,634 करोड़ की वृद्धि सरकार तानाशाही हो रही है। 2024-25 के लिए 2,63,344 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है। कुल व्यय वर्ष 24-25 के लिए कुल विनियोग की राशि 3,65,000। कमाल है, कमाल। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा बजट इतिहास का। राजस्व व्यय 66,000। 2,61,644 करोड़। पूंजीगत परिव्यय 64,738 करोड़ प्रस्तावित है।
सामाजिक आर्थिक उत्थान की योजनाओं के लिए वर्ष 24-25 के लिए समग्र रूप से बजट अनुमान 1,74,376 करोड़ है। विभागवार बजट अनुमान खंड एक में उपलब्ध है। वर्ष 23-24 का कुल व्यय बजट अनुमान 2,81,554 करोड़ का है, जिसमें 44,829 करोड़ की वृद्धि कर वर्ष 2024-25 के लिए 3,26,383 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है। वर्ष 24-25 की कुल प्राप्तियां 3,30,193 करोड़ तथा कुल व्यय 3,26,383 करोड़ अनुमानित होने से वर्ष का शुद्ध लेन देन 3,810 करोड़ है एवं अंतिम शेष 92 करोड़ का अनुमान है। शुद्ध लेन देन के लिए वर्ष 23-24 का बजट अनुमान 107 करोड़ का है। वर्ष 24-25 के लिए 3,810 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है। 15वें वित्त आयोग की अनुशंसा अनुसार वर्ष 24-25 में राजकोषीय घाटे की सामान्य सीमा 3% प्रस्तावित है एवं ऊर्जा क्षेत्र में अपेक्षित कतिपय सुधारों के करने पर अतिरिक्त 0.5% की सीमा स्वीकृत की जा सकेगी। हमें पूरा विश्वास है कि जो भी सुधार निर्धारित किए जाएंगे उसे हम पूरा कर यह अतिरिक्त सीमा की स्वीकृति प्राप्त करेंगे। उपरोक्त को ध्यान में रखकर बजट अनुमान तैयार किया गया है। वर्ष 23-24 के लिए भारत सरकार द्वारा विशेष पूंजीगत सहायता योजना में रुपये 9,500 करोड़ 50 वर्षीय दीर्घकालीन ब्याज रहित ऋण सहायता प्राप्त होने का अनुमान है। यह ऋण सहायता राजकोषीय घाटे की सीमा से पृथक है। वर्ष 24-25 में राजकोषीय घाटा 62,564 करोड़ अनुमानित है, जो कि राज्य के सकल घरेलू उत्पाद का 4.11% अनुमानित है। इस वर्ष 1,700 करोड़ का राजस्व अधिक के अनुमानित है। यह एक मान्यता है कि बजट महज आंकड़ों का ही खेल है, परंतु हमारी सरकार के बजट के आंकड़ों की सत्यता व सफलता प्रदेश की जनता की जीवन शैली में सकारात्मक परिवर्तन, उनके चेहरे पर संतोष व सुकून की आभा में दिखता है। मैं यह बताना चाहूंगा कि बजट को तैयार करना पक्षियों द्वारा घोंसला बनाने की प्रक्रिया जैसा है। वह ढेर सारे तीनकों बहुत सारी मेहनत और अखंडित लगन से बनाती है एक घोंसला, जिसमें वह पालती है अपने नौनिहालों को और मांगती है दुआ कि उसके अपने बच्चे सुरक्षित रहे, सुख से रहे। सकारात्मक ऊर्जा में अनुप्रमाणित यह बजट प्रदेश की जनता को समर्पित है। बजट में बहुमुखी विकास की तड़प है, संकल्प है, विकास का विश्वास है, सदा सहायता, समरसता की अनुभूति है, आध्यात्मिकता है, प्रगति की निरंतर निर्बाध धारा है। मेरा अनुरोध है कि आए हम सभी बजट प्रस्तावों का समर्थन करें, स्वागत करें, बजट मंथन से निकले अमृत का सदुपयोग कर प्रदेश को संपूर्ण रूप से विकसित होने में भागीदार बने। महोदय, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी, मंत्रिपरिषद के साथियों, माननीय विधायकों, उद्योग व व्यवसाय जगत के महानुभावों, अर्थशास्त्रियों का आभारी हूं, जिनके परामर्श से बजट को विकासोन्मुख तथा कल्याणकारी स्वरूप दिया जा सका है। मैं वित्त विभाग के समस्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों का भी आभारी हूं, जिन्होंने अथक परिश्रम प्रतिबद्धता से बजट को तैयार कर प्रस्तुत करने में सहयोग किया है। महोदय, मैं हमारी सरकार के बजट प्रस्तावों को प्रदेश के लिए कामना के साथ प्रस्तुत कर रहा हूं। हर दिन सुदिन, हर मास मधुमास हो, हर घड़ी हर पल हृदय में परम हर्ष उल्लास हो, जिंदगी प्यार से भरी हो, परस्पर स्नेह हो, सद्भाव हो, हर कदम पर नई आशा नया विश्वास हो। जय हिंद, जय मध्य प्रदेश। अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन ये कर रहा था, आज जो विपक्ष की स्थिति थी अध्यक्ष महोदय, ये बहुत ही निंदनीय है। कल आपने, मैं फिर आज इसको दोहरा रहा हूं कि मध्य प्रदेश के इतिहास में सबसे बड़ा ध्यानाकर्षण के माध्यम से पूरा अवसर दिया, पूरी चर्चा हुई, उसके बाद आज बजट जैसे महत्वपूर्ण विषय पर इस प्रकार का कृत्य करना, मैं समझता हूं बहुत निंदनीय है। और मैं सदन से निवेदन करना चाहता हूं,
कि विपक्ष के इस कृत्य पर निंदा प्रस्ताव पारित होना चाहिए। यदि आप अनुमति दें तो हम सब ये सर्वसम्मति से निंदा प्रस्ताव है। अध्यक्ष महोदय प्रहलाद जी। अध्यक्ष महोदय, मैं मध्य प्रदेश विधानसभा प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियम 250 ऐसी संदर्भ में उल्लेख कर रहा हूं जिसमें कंडिका 2 और 9 इसमें स्पष्ट है कि किसी के भाषण के दौरान ऐसा व्यवधान नहीं हो सकता, लेकिन जब बजट पेश हो रहा हो उस समय जो व्यवहार है ये औचित्य का प्रश्न भी उठाता है, जो 267 का में भी है और उसके आगे भी है। मुझे लगता है कि मंत्री होने के नाते शायद औचित्य का प्रश्न मैं नहीं उठा सकता, कोई माननीय सदस्य उठा सकता है, लेकिन औचित्य का प्रश्न आता है। और मुझे लगता है कि निंदा प्रस्ताव माननीय संसदीय कार्य मंत्री ने कहा है वो कठोर हो सकता है, जो विवेक आपके विवेक पर मैं समझता हूं कि छोड़ा जाना चाहिए, लेकिन औचित्य का प्रश्न हमारे किसी माननीय सदस्य को जरूर उठाना चाहिए ताकि भविष्य में ऐसी परिस्थितियां न बने। और मैं आपसे आग्रह करता हूं कि अगर प्रतिपक्ष यहां पर होता तो मैं मानता कि कम से कम उनके सामने भी ये बात आनी चाहिए कि संसदीय नियम हमारे जो बने हुए हैं अगर उनका पालन नहीं होगा तो हम शायद बहुत बेहतर परिणाम नहीं दे सकते। मैं मानता हूं कि उनकी अनुपस्थिति है इसलिए आपके विवेक पर जरूर हम छोड़ते हैं, लेकिन मैं सदन से आग्रह करता हूं कि कोई ना कोई माननीय सदस्य औचित्य का प्रश्न उठाए ताकि हम उस समय सीमा के भीतर चर्चा कर सके कितने महत्वपूर्ण विषयों पर, जहां पर इतना बेहतरीन बजट आया है कि शायद मध्य प्रदेश का सबसे पहली बार इतने बड़े स्पान का बजट आया हो, उस पर अगर बेहतर तरीके से सुनते तो शायद सबका भी भला होता। बहुत धन्यवाद आपने मुझे समय दिया। श्री देवड़ा जी। अध्यक्ष महोदय, मैं राज्यपाल महोदय के निर्देशानुसार वर्ष 2024-2025 के आय व्यय के उपस्थापन के साथ साथ मध्य प्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम 2005 के अंतर्गत यथा अपेक्षित राजकोषीय नीति का विवरण वर्ष 2024-25 सदन में के समक्ष रखता हूं। मैं आय व्यय पर सामान्य चर्चा के लिए दिनांक 4 जुलाई 2024 नियत करता हूं। आय व्यय में सम्मिलित मांगों पर प्रस्तुत किए जाने वाले कटौती प्रस्ताव की सूचनाएं निर्धारित प्रपत्र में आज दिनांक 3 जुलाई 2024 को सायंकाल 5 बजे तक विधानसभा सचिवालय में दी जा सकेंगी। आज बजट के दौरान प्रतिपक्ष के सदस्यों के द्वारा जो व्यवधान हुआ, मैंने भी उनको बार बार आग्रह किया कि वो अपने आसन पर जाएं और इस प्रकार का आचरण न करें। मैं समझता हूं कि यह हम सब लोगों के लिए चिंता का विषय है और इस प्रकार के आचरण को किसी भी प्रकार से न आसन दी न सदन उचित कह सकता है। विधानसभा की कार्यवाही गुरुवार दिनांक 4 जुलाई 2024 को प्रातः 11 बजे तक के लिए स्थगित।